कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101 आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस करंट अफेयर के चैनल पे दोस्तों नमस्कार और छोटी सी जो डिले हुई उसके लिए माफी क्योंकि यार कल रात को डेढ़ बजे एक बजे तक तो हमारी प्लस पे ही क्लास थी आप प्लस वाले बच्चों से पूछ सकते हैं एक बजे मेरी क्लास थी उसके बाद थोड़ा समय सुबह उठने में नॉर्मली मैं उठ जाता हूँ चार साढ़े बट आज थोड़ा डिले हो गया वेरी सॉरी फॉर देट बट चलिए शुरू करते हैं थोड़ा आज आपको ऐसा लगेगा कि मैं मतलब थोड़ा तुतला रहा हूँ बिकॉज मेरे पूरे मुँह में ना छाले वाले हो रखे हैं यार तो वो एक कारण है थोड़ा सा मैनेज करना तो आज जो हम बात करेंगे करंट अफेयर की बात करेंगे आज जो करंट अफेयर होगा हमारा ये करंट अफेयर मैं आपको बता दूँ द हिंदू प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑल इंडिया रेडियो हर एक जो इम्पोर्टेंट जगह हैं जहाँ से करंट अफेयर यूपीएससी पूछता है मैंने हर उस इम्पॉटेंट टॉपिक को यहाँ पर क्या किया है कवर किया है प्रयास किया है कि यार कि आपका सारा का सारा जो काम है वो अच्छे तरीके से हो सके और उसी के बेसिस पे पूरा करंट अफेयर मैंने डिज़ाइन किया है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आप सब लोग आ गए हैं स्वागत गुरुकुल थ्री पॉइंट मगरमच्छ आकृति मिनी प्राची लवली प्रियंका सिंह वनओवन रूपा तेजस्वी अरवीना खान कृतन्या शालनी स्नेहप्रीत सुषमा सद्दाम राशिद आकाश अनु राठौर आकांक्षा ज्योति भारद्वाज समीर आनंद सैम पांडे आकाश खोकर दीपशिका मिश्रा ज्योति भारद्वाज आप सबका स्वागत है ठीक है आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे नाउ गाइस एक बार वीडियो को प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक बार शेयर कर दीजिएगा यूपीएससी सी एस के लिए मैंने यार अभी दो एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं आपको 2022 के लिए तो नहीं बट हमने ये डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स जो हैं वो आपके लिए स्टार्ट किए थे और इन चैनल का जो उद्देश्य था वो क्या था इन चैनल का सबका उद्देश्य जो था वो था कि आपकी यू की प्रिपरेशन जो है उसको हम बेहतर बना सकें है ना तो उसके लिए हमने चार चैनल लॉन्च किए थे यू की हो या कोई अदर स्टेट पी कोई एनडीए की कर रहा हो सी की कर रहा हो तो जिसमें जोग्राफी वन जीरो वन एन सी आर टी वन जीरो वन ये चार चैनल हमने रखे थे आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये चार चैनल जो है इनको सब्सक्राइब जरूर कर लें आप है ना ये चार चैनल है हमारे तो इनको सब्सक्राइब आप जरूर कर लें साथ ही साथ आप मेरे साथ की ऐप पर भी जुड़ सकते हैं यहाँ पर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो यू जस्ट हैव टू फॉलो मी विद द नेम सुमित कुमार आप सुमित कुमार के नाम से मुझे क्या करेंगे फॉलो करेंगे इसके बाद कोई भी क्वीज हो आपकी ठीक है कोई भी आपकी स्पेशल क्लास हो या कोई भी प्लस कोर्स हो सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब भी होगा जैसे अभी मेरा प्लस कोर्स आ आ गया ग्यारह अप्रैल को ठीक है और अभी गाइज आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर हमें इसको डिले किया है काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारा एग्जाम है कॉलेज एग्जाम चल रहे हैं थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो आप कोर्स को डिले कर दो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर कोर्स जो है वो बारह बीस अप्रैल से हो गया ठीक है बीस अप्रैल को हमारा कोर्स एक और नया आ रहा है जिसका नाम है गुरुकुल थ्री पॉइंट ओ है ना इसका प्लस वर्जन जो है वो अपना आ रहा है तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होने वाला है अगर आप 2022 के स्टूडेंट हैं या 2023 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कोर्स रामबाण होगा आपको इस कोर्स में जरूर एनरोल करना है एनरोल करते समय याद रखिएगा आपका जो कोड है वही आपकी पहचान बनेगा अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं ठीक है इस प्रोसेस में तो कोड आपको यूज करना है सुमित टेन अच्छा एक बात मैं बता दूँ दोस्तों आपका डिस्क्रिप इसमें कमेंट बॉक्स में एक लिंक आ रहा है ये गूगल फॉर्म का लिंक है जिस भी बच्चे को लोन कराना है जिस भी बच्चे को सब्सक्रिप्शन से संबंधित कोई डाउट है आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं फिल कर सकते हैं जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे दोस्तों तो आपके पास हमारी टीम से कॉल आएगा आप उनको बताना कि मुझे लोन लेना है मुझे ये डाउट है मेरी टीम होगी बता देना सुमित सर का कोड यूज करना है वो आपको कंप्लीट गाइड करेगी लोन होगा एक दिन के अंदर लोन प्रोसेस कराएगी कोई भी चीज़ होगी आपको दोस्तों विद इन अ डे आपको सारी की सारी चीज़ें यहां से करा दी जाएंगी अच्छा अब बात करते हैं हम इंप्रूव्ड जीएसएलवी की दोस्तों पिछले साल अगस्त 2021 में एक प्रॉब्लम आई थी आपको पता है हमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जीरो थ्री को लॉन्च करना था किसके माध्यम से यार छाले रखे थोड़ा स्लो बोलूंगा चलेगा ना थोड़ा स्लो बोलूंगा चलेगा ना ईओएस एस जीरो थ्री सेटेलाइट जो है इसको हमें लॉन्च करना था ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इसको हमने लॉन्च करना था किससे जी एस एल मार्क टू ये जी एस एल मार्क टू जो है ना ये इसरो के द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा सैटेलाइट लॉन्च वहीकल है एक और भी है जिसको हम क्या कहते हैं जी एस एल वी मार्क थ्री मार्क थ्री जो इसको बाहुबली भी कहते हैं क्योंकि इसकी और इसकी खास बात क्या है ये तो सबसे बड़ा है ये सबसे क्या है दोस्तों बड़ा लार्जेस्ट और इसका ना

सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विद हाईएस्ट आप मेरी बात समझे ठीक है अब ये जो ईओ एस जीरोलाइट हम लॉन्च कर रहे थे पिछले साल अगस्त के अंदर वो हम मार्क जीएसएल से कर रहे थे इससे कर रहे थे अब लॉन्च कर रहे थे लेकिन लास्ट टाइम के इसका जो क्रायोजेनिक इंजन है ये एक थ्री स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन है तो जो इसकी क्रायोजेनिक स्टेज है उसके अंदर आखिरी टाइम पे जो लिक्विड हाइड्रोजन है वो लीक होने लगी अब लीकेज जो होती है जनरली इसको फिक्स करने के लिए हम वॉल लगाते हैं आपको पता है ना वॉल लगाते हैं है ना वॉल्व होते हैं या वो आपकी सील होती है सेफ्टी सील होती है तो वो हम लगाते हैं तो लास्ट टाइम पे वहां से लिक्विड हाइड्रोजन लीक करने लगा तो हमें मिशन को अवॉड करना पड़ा फिर हमने यार एक हाईएस्ट नेशनल लेवल की कमेटी बनाई हमने कहा कि यार ये तो बड़ी बात है मतलब अगर सोचो ये एक बड़ा फेलियर होगा क्योंकि जब भी आप कुछ लॉन्च करते हो आप पूरी दुनिया की नज़रें आप पे होती हैं और ऐसे में अगर फेलियर होता है तो वो भारतीय स्पेस एजेंसी की क्रेडिटिबिलिटी को क्या करता? इरोड करता है तो इन्होंने कहा इसको चेक करो यार एक कमेटी बनाई। जो कमेटी बनाई बनाई जो जो उसने है ये फाइंड आउट किया कि क्यों और किस वजह से ये सब हो रहा था तो कमेटी ने क्या पाया कि जो फ्यूल टैंक है ना उसमें उतना प्रेशर नहीं बना अगर प्रेशर बन जाता तो वॉल्व और सील सारी की सारी टाइट हो जाती और उसमें इतना प्रेशर बन जाता तो उस समय फिर वो लिक्विड हाइड्रोजन लीक नहीं होता लेकिन उसके अंदर प्रेशर नहीं बन पाया ये एक बड़ा प्रॉब्लम था तो इसीलिए जो वॉल और सील सिस्टम है उसको एक्टिवेट करने के लिए अभी इन्होंने क्या किया है एक एडिशनल प्रेशर मैकेनिज्म जो है उसने डेवलप किया है ताकि जब मोटर आपकी चलने लगे जब स्पेस जब ये जो ए, ए, आपका जीएसएल मार्क टू है जब ये लिफ्ट करने लगे तो उससे पहले जब बस्ट करे इंजन बस्ट करे तो उससे पहले जो इसका फ्यूल टैंक है ना उसके अंदर सफिशेंट प्रेशर डेवलप हो जाए ये इस बार किया गया है इस कमेटी ने ढूंढा इस कमेटी ने किया तो अब ये कह रहे हैं कि इस कमेटी ने कि हम अपग्रेड करेंगे और जब ये अपग्रेड हो जाएगा तो जी एस एल वी मार्क टू से जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट्स से हैं ठीक है जिसको हमें अगस्त में लॉन्च करना था उसको हम इस साल के दूसरे भाग में लॉन्च करेंगे है ना मतलब जुलाई के बाद में हम क्या कर देंगे लॉन्च कर देंगे मे अगस्त सितंबर अक्टूबर ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई इक्कीस अगस्त को पिछले साल हमें

तो कमेटी ने जब देखा तो उसने कहा कि भाई जो फाइनल स्टेज है उसके अंदर में आपका जो इनफ प्रेशर बिल्ट नहीं हुआ जिसकी वजह से वहां से वो जो लिक्विड नाइट्रोजन थी वो लीक करने लग गई अब कोई भी आपका वॉल सिस्टम और सील सिस्टम है उसको काम करने के लिए ना हाई प्रेशर चाहिए होता है तो अब इन्होंने क्या किया इन्होंने सोचा है कि जब तक वो जो थर्स्ट बनेगा जब तक मोटर का थर्स्ट बनेगा उठेगा स्पेस लॉन्च व्हीकल उससे पहले अब फ्यूल टैंक में बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देंगे लोग जिससे क्या होगा सील और वाल टाइट हो जाएंगे और अब की बार वो तेल नहीं निकलेगा लिक्विड हाइड्रोजन नहीं निकलेगी और इसके माध्यम से दोस्तों ये जो फ्लाइट है वो आपकी सक्सेसफुल हो पाएगी क्योंकि यही फॉल्ट था तो ये जो है कर दिया गया अब ये कह रहे हैं कि हम अभी इसको अपग्रेड करेंगे और जो इस साल का दूसरा हाफ होगा सेकेंड हाफ उसके अंदर हमें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसको गो हेड दे देंगे और इससे सैटेलाइट अपनी लॉन्च करा लेंगे तो जीएसएलवी टू बी रेडी बाय दिस ईयर कह रहे जो इंप्रूवड जीएसएलवी है वो इस साल तक क्या हो जाएगा इस साल के अंदर तक रेडी हो जाएगा और फिर हम इससे क्या करेंगे उड़ान भरवाएंगे फिर हम अपने सेटेलाइट जो है इससे क्या करवाएंगे लॉन्च करवाएंगे चलिए दोस्तों तो कौन से टॉपिक से है आपका पेपर से जीएस पेपर तीन ठीक है किस पेपर से है दोस्तों ये जीएस पेपर तीन से जीएस पेपर तीन के अंदर में मुख्यतः क्या क्या बातें आती हैं बताओ पेपर तीन में सर यही सब आपसे पूछा जाता है कि बताइए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या है भारत के अंदर में साइंस का क्या एडवांसमेंट चल रहा है इंडिया में साइंस में क्या पोजीशन हम बना है हमारी ठीक है ये सब चीजें जो हैं दोस्तों ये आपसे पूछी जाती हैं ये सब चीजें आपके साथ में डिस्कस यहां पर की जाती है आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट तो जीएस पेपर थ्री स्पेस टेक्नोलॉजी अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कह रहा है कि जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वहीकल है जीएसएलवी की फुल फॉर्म होती है जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वहीकल विद इंप्रूव्ड विद इंप्रूवमेंट्स एडी टू इट्स क्रायोजेनिक अपर स्टेज क्रायोजेनिक अपर स्टेज सीयूएस इसी के अंदर माल फंक्शनिंग हुई थी जिसकी वजह से हमें मिशन अबॉर्ट करना पड़ा था तो ये कह रहे हैं कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वहीकल होगा इसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट करेंगे अभी और ये इम्प्रूवमेंट जो है हमारे इस साल के पहले भाग तक पूरा हो जाएगा जून जुलाई तक हम कंप्लीट कर देंगे उसके बाद जो नेक्स्ट जीएसएल की फ्लाइट होगी दोस्तों वो कब होगी जब एक बार ये मॉडिफिकेशन हो जाएगी तो उसके बाद में हम जीएसएल की दूसरी फ्लाइट करेंगे जियो सिंक्रोना सेटेलाइट लॉन्च वहीकल अपने क्रायोजेनिक अपर स्टेज में सुधार के साथ इस साल के दूसरी छमाई में तैयार हो जाएगा उम्मीद है हमें संशोधन में शामिल करने के बाद अगली जीएसएलवी उड़ान जो है आयोजित की जाएगी एक बार जैसे ठीक कर लेना हम इसमें फिर हम इसको लॉन्च करेंगे अच्छा ये की इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा देखो यार एक हाई लेवल पैनल जो है पिछली साल बनाया गया था क्यों क्योंकि पिछले साल हमारा जीएसएल जीरो थ्री मिशन जो था ये सैटेलाइट है EOS का मतलब क्या है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जीरो तीन तो पिछले साल क्या हुआ था हमारी जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ना उसको हमें अबोट करना पड़ा मिशन को ठीक है हेड रिकमेंडेड मेजर्स फॉर मेकिंग द सी यू एस मोर रोबस्ट पिछले साल क्या हुआ था हम लॉन्च कर रहे थे तो हमारा जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज है ठीक है इसके अंदर में प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से हमें मिशन को क्या करना पड़ा था दोस्तों अबॉर्ट करना पड़ा था ठीक है मिशन को अबॉर्ट करना पड़ा था उसी के बाद में एक हाई लेवल पैनल का गठन किया गया था जिसने अभी सिफारिश दी है इंडियन स्पेस रिसर्च लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर इसको एक काम दिया गया था भाई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का जो लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर है उसको एक काम दिया गया था इज टास्क टू टास्क मेकिंग द रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन टू द क्रायोजेनिक इंजन

नई मॉडिफिकेशन क्या होगी नई मॉडिफिकेशन ये है सर मॉडिफिकेशन प्लान टू इंक्लूड अ मैकेनिज्म टू इन्श्योर सफिशियंट प्रेशर ये कह रहे हैं कि हम टैंक के अंदर जो फ्यूल टैंक होगा ना उसके अंदर सफिशियंट प्रेशर बिल्ड कर देंगे बिफोर द इंजन बर्न्स भाई इंजन जब चलने स्टार्ट होगा फ्यूल तो फ्यूल टैंक में होगा तेल तो तेल की टंकी में होगा ना तो तेल की टंकी में प्रेशर डेवलप कर दिया जाएगा प्रेशर से क्या होगा जब आप प्रेशर डेवलप कर दोगे तो जब इंजन बर्न करना स्टार्ट करेगा उससे पहले जो आपका आपका फ्यूल टैंक है उसमें इनफ प्रेशर बन जाएगा और उसकी वजह से जो वॉल और जो आपकी सील है वो सेफ्टी जो इशू है वो नहीं आएगा जो वॉल वी का जो है लीक्स है वो अवॉइड हो जाएगा रीजन क्या था फेलियर का तो मैंने आपको बताया था 12 अगस्त ये जो जीएसएल मिशन है दोस्तों हम इससे अर्थ ऑब्जर्वेशन लॉन्च कर रहे थे जियो ऑर्बिट में हमें इसको लॉन्च करना था लेकिन अपर स्टेज जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज है हमारा सी यू एस जो है

तो अब हम क्या करेंगे अब हमारा जो वी आर वी टैंक है जो वी आर वी आपका सिस्टम है इसके अंदर अभी सुधार क्या दिया गया है अब मॉडिफिकेशन दिया गया है कि इसके अंदर में हम इनफ क्या करेंगे पहले जब इंजन बर्न करना स्टार्ट करेगा ना उससे पहले ही हम प्रेशर बिल्ड कर देंगे ये बोला गया है ठीक है अब ये GSLV क्या है वट इज दिस GSLV? तो GSLV मैंने आपको बताया था जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वहीकल दोस्तों अभी जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च वहीकल के अलग अलग वेरिएंट हमारे पास मार्क वन मार्क टू और मार्क थ्री मार्क थ्री को बाहुबली कहते हैं इसके पास हाईएस्ट पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है ठीक है अब तक अगर हम बात करें सबसे ज्यादा पेलोड उठा सकता है उसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं जो भविष्य में हमारी स्पेस फ्लाइट होगी ना जिसमें ह्यूमंस जाएंगे उसमें हम इसको, इसको इस्तेमाल करेंगे बट अभी जो ये लॉन्च किया था हमने जीएसएलवी मार्क टू से किया था मार्क टू जो है ये लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल है जो भारत ने डेवलप किया अभी तक सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल है दोस्तों करंटली ये ऑपरेशन में भी है ये फोर्थ जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है एंड इसके अंदर में तीन स्टेज जो है आपका लिक्विड प्रोपेलेंट स्ट्रैप ऑन है तीन स्टेज थ्री स्टेज के अंदर में इसमें फ्यूल क्या होता है बर्न होता है ये इंडीजीनियसली डेवलप्ड है क्रायोजेनिक अपर स्टेज के ऊपर आधारित है जो इसकी फाइनल स्टेज है जो जिसको हम क्रायोजेनिक अपर स्टेज बोलते हैं ठीक है क्रायोजेनिक अपर स्टेज जो है दोस्तों वो हमारी खुद की बनाई हुई है हमने इंडीजीनियसली बनाया है उसको विच इज फ्लाइट प्रूवन और ऐसा नहीं है कि ये फेल हुआ है हमने इसकी फ्लाइट टेस्ट की हुई है हमने इसको प्रूव किया हुआ है फ्रॉम दी थर्ड स्टेज ऑफ जीएसएल मार्क टू फ्रॉम जनवरी दो हज़ार चौदह द वहीकल हैज़ अचीव कंजीक्यूटिव सक्सेस और दो हज़ार चौदह से हमने वहीकल को इंक्लूड किया हुआ है भारत के इसरो ने ठीक है तब से ना ये वहीकल कंजिक्यूटिवली अच्छा काम कर रहा है बहुत अच्छी सक्सेस जो है ये अचीव कर रहा है तो इसकी सक्सेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है ये तो इस बार लीक हो गया था तो पता नहीं कैसे हो गया था तो हमने कमेटी बना दी कमेटी ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली इसरो का जो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर है उसने बता दिया कि ठीक है हम इसको ठीक कैसे करेंगे हम जो है हमारा क्रायोजनिक अपर स्टेज जो है उसके अंदर में पहले से ही जब इंज मोटर आपकी चलने लगेगी इंजन बर्न करेगा उससे पहले हम इन बिल्डर प्रेशर जो है बिल्ड कर देंगे मार्क टू क्या है दोस्तों ये अभी तक का बनाया गया सबसे बड़ा लार्जेस्ट आपका वो है ठीक है सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो 2014 से ऑपरेशनल है बहुत अच्छे से काम करता है इसमें जो थर्ड स्टेज है ठीक है जो अपर स्टेज है वो क्रायोजेनिक स्टेज है और वो वो क्रायोजेनिक स्टेज जो है वो है है भारत ने खुद से बनाई ना आगे बढ़ते हैं दोस्तों वहीकल की स्पेसिफिकेशन अब ये चीजें आती नहीं है बट मेरे को अभी भी याद है सोलह में ना आई थिंक 2016 में या पता नहीं 2014 के अंदर स्पेशल ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था वहीकल की स्पेसिफिकेशन से कि जो वहीकल होता है कितना बड़ा है ठीक है क्या है ऐसा सवाल पूछ लिया गया था तो इसकी हाइट देख लो आप कितनी उनचास दशमलव तेरह मीटर

तो अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग छोटे छोटे स्मॉल बिज़नेसेस वो भी जो है डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो भी अपनी खुद की सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं एक यूनिवर्सिटी अपनी खुद की सैटेलाइट लॉन्च करना चाहती है तो ये जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं ना इनको या तो आप एक बड़े लॉन्च व्हीकल के साथ इकट्ठा बंच करके लगाओ ठीक है या फिर आप क्या करो कि इनके लिए एक छोटा लॉन्च व्हीकल बना लो तो एस एस एल वी उसी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बनाया गया है एस एस एल वी इज़ अ स्मॉल स्केल स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऐसे ही हमारा ए एस एल वी है जो सबसे पहले जनरेशन का है फिर पी एस एल वी बना और फिर लास्ट में हमने क्या बनाया दोस्तों जी एस एल वी तो इनमें अंतर क्या होता है ठीक है एस एस एल वी क्या है ए एस एल वी क्या है जी एस एल वी क्या है पी एस एल वी क्या है इनके अंतर क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सवाल पूछा जा सकता है सबको कंपेयर करके आपको देखना है एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज इसके बाद अर्थ ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट जो होती है ई मैं तो कहूंगा ई में जीरो वन से लेकर तुम्हें जीरो सिक्स तक पढ़ना है क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले अगर आपको याद हो मैंने खुद करंट अफेयर में भी कराया आपकी पी चेक करना पीडीएफ चेक करना उसमें मिल जाएगा और हमने अभी दो दिन पहले एक करंट अफेयर की क्विज कराई थी मैंने उसके अंदर में भी इसको कराया है ठीक है तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं अगर आप देखोगे आपको मिल जाएगा तो ये काम आपको रिलेटेड सर्च में करना है ठीक है भू प्रक्षेपण उपग्रह कहते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है बताइए वट इज द मीनिंग ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन देखो ये क्या करेगी सैटेलाइट ऊपर से ना धरती को ऑब्जर्व करेगी ठीक है धरती की रियल टाइम फोटोग्राफ लेके खींच भेजती रहेगी जिससे आप मॉनिटर कर सकते हो पृथ्वी को फ्रॉम अबाउट दर्फेस और ऐसी हमने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एक से लेकर छ लॉन्च की हुई है सबका क्या पर्पज है क्यों लॉन्च की थी हमने सारा मैंने आपको बताया हुआ है तो एक बार जाके इसको देख लेंगे अब बात करते हैं दोस्तों प्रिलिम्स स्पेसिफिक प्री के लिए क्या जरूरी है प्रीलिम्स के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा सवाल कैसे पूछा जा सकता है सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है नंबर फोर इसका क्या है ये क्यों लॉन्च कर रहे हैं हम क्या है इसका उद्देश्य क्या इसका पर्पज है जीएसएल वी एफ टेन यूएस जीरो थ्री मिशन जो फेल हो गया था इसके बारे में पूछा जा सकता है भाई क्यों फेल हुआ क्या कारण थे क्या कमेटी बनी थी किसको काम दिया गया था ठीक है नई मॉडिफिकेशन आपने की क्या की है और ये जो कंपैरिजन आपका हुआ है पी एस एल वी जी एस एल वी ठीक है ए एस एल वी और एस एस एल वी सवाल यहाँ से भी बनने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं तो मैं इसको जो है स्टार मार्क लगा रहा हूँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं आपका ठीक है हिंदी में हमारे दोस्तों के लिए अब बात करते हैं एक सवाल <coughs> एक एम सी क्यू मैंने बनाया है विच ऑफ विच इन विच इज इंडियाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सेटेलाइट लॉन्च वहीकल कह रहे हैं कि कौन सा भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल लॉन्च वहीकल था सैटेलाइट लॉन्च वहीकल थ्री एस एल वी थ्री जियो सिंकरोना सेटेलाइट लॉन्च वहीकल जी एस एल वी मार्क वन जी एस एल वी मार्क टू या स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च वहीकल भारत का सबसे पहला लॉन्च वहीकल कौन सा है बताओ जल्दी से मुंह में छाले रखे गाइज एक बार वीडियो लाइक शेयर कर दो यार लाइक कर दो शेयर कर दो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो आज बार बार ये चीज नहीं बोल पाऊंगा मुंह में बहुत छालने रखे हैं तो प्लीज बिना कहे कर दो यार तो पानी भी लग रहा है सबका जवाब आ रहा ए। है ए ठीक है मैक्सिमम बच्चों का जवाब आ रहा है ए चलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सबसे पहला जो था हमारा वो एस एस एल वी था ठीक है सबसे पहला हमारा क्या था दोस्तों था सॉरी सेटेलाइट लॉन्च वहीकल है ना बहुत अच्छे चलिए आगे बढ़े मेन स्पेसिफिक पे आते हैं मेन्स का सवाल क्या है आंसर राइटिंग किस पे कर सकते हो आप इसरो रोल हैज हैजीन अपमिश्ड in making india's global space power however there are many challenges and opportunities in the new space age that isro needs to address comment बहुत बढ़िया सवाल लिखा है मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन है 250 शब्द के अंदर में आंसर देना है मैं सवाल आपको समझाना चाहूंगा कह रहा है इसरो ने बहुत प्रयास किया है ऐसी बात नहीं है इसरो ने बहुत प्रयास एक समय ऐसा था जब दुनिया हंस रही थी जब दुनिया हंस रही थी ठीक है इवन भारत के लोग हंस रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं अब इंडिया इतना गरीब देश है और ये अपना स्पेस प्रोग्राम चलाने लग गए हैं ठीक है ये अपनी लॉन्च व्हीकल बनाने लग गए हैं ऐसे मतलब बहुत मजाक उड़ी थी एक टाइम पर खिल्ली उड़ी थी बहुत भारत की लेकिन इसरो ने ना हार नहीं मानी और इसरो ने वो करके दिखाया दोस्तों जो शायद अब तक डेवलप्ड वर्ल्ड भी जो है नेशंस जो है वो भी ना कर पाए हैं तो सवाल यही पूछा गया है कि देखो अब तक का जो इसरो का इतिहास रहा है उसके ऊपर आप बिल्कुल भी ब्लेम या कोई दाग नहीं लगा सकते उसने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन फिर भी इसरो के सामने आज भी कुछ चैलेंजेस हैं और वो क्या चैलेंजेस हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है ये आपको बताना है तो थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा चैलेंजेस क्या हैं इसरो के आराम से इंटरनेट की मदद लीजिए कोई दिक्कत नहीं है एंड ट्राई टू राइट एन आंसर आप लिखना फिर मैं बताऊंगा मैं अभी यार कल बहुत बड़ी क्लास हो गई थी हमारी जब मैं एक्सप्लेन करने लग रहा था तो मैं इसको अभी नहीं करूंगा बट हाँ डेफिनेटली विल डू दिट डू दिस ठीक है तो आपको क्या करना है कुछ नहीं आपको एक एक, एक, एक खुद से कोशिश करनी है इसको लिखने का आपको खुद से क्या करना है दोस्तों इसको प्रयास करना है तो भारत को एक वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनाने के लिए इसरो की भूमिका बेदाग रही है आज भारत दुनिया के अंदर में एक अंतरिक्ष शक्ति है और इसमें इसरो की भूमिका जो है बिल्कुल बेदाग रही है दोस्तों हालांकि नए अंतरिक्ष युग में कई चुनौतियाँ और अवसर हैं अभी आज अगर हम बात करें तो आज के इस टाइम पे कई सारी चुनौतियों भी हैं तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं जिन्हें इसरो को संबोधित करने की आवश्यकता है और जरूरत है इसरो उनको क्या करें संबोधित करे आपको क्या लगता है वो कौन सी चुनौतियां हैं और किस प्रकार से उनका समाधान किया जा सकता है इसमें साथ साथ आप इसरो के बारे में बताओगे इसरो का पूरा प्लान कि किस प्रकार से इसरो ने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है उसकी क्रोनोलॉजी भी आपको बतानी पड़ेगी तो दोस्तों अभी तक ऑफर हमारा चल रहा था अगर आप दो साल और तीन साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिल रहा है कितना दोस्तों साथ अच्छा, अभी सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी क्यों हो गया है ग्यारह तारीख से मेरा बहुत ही डिटेल्ड इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स है, आया है और इसके अलावा 20 तारीख को ट्वेंटी को हमारा जो है वो गुरुकुल आ रहा है गुरुकुल ठीक है गुरुकुल जो है प्लस ये हमने 2022 और 2023 वाले बच्चों के लिए डिजाइन किया है ठीक है तो ये बहुत अच्छा कोर्स होगा कॉम्पैक्ट और कंसाइज जिसके अंदर लगातार आप पढ़ के मेहनत करके अपना जो पेपर है जीएस जो है प्रिलिम्स का उसको तैयार कर सकते हैं अगला टॉपिक जो है दोस्तों आप जिसको भी करना है या तो मुझे मेल कर सकता है लेकिन सबसे अच्छा काम क्या है मुझे मेल भी डाल दो और कमेंट बॉक्स के अंदर में अगर आप देखोगे तो आपको एक गूगल फॉर्म दिख रहा होगा कमेंट बॉक्स देखो उस पर ऊपर पिन किया हुआ है उस गूगल फॉर्म को भर दो किसी बच्चे को मान लो लोन लेना है, है ना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है लोन बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री मिलेगा जीरो कॉस्ट के ऊपर आपको लोन मिल जाएगा कोई हिडन चार्जेस नहीं है तो आपको अगर वो चाहिए तो आप उस फॉर्म को भर दीजिए हमारी तरफ से आपको कॉल आ जाएगा टीम की तरफ से वो आपको पूछेंगे बताएंगे तो बता देना कि हम सुमित सर की टीम से हैं और सुमित सर के स्टूडेंट हैं हमें सुमित टेन कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो आपको करा देंगे कोई दिक्कत नहीं है अगला जो टॉपिक है वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीवाइज बाई पोलिटिकल पार्टी है मुद्दा समझना थोड़ी सी मेरी कहानी सुनना आपने देखा होगा भारत के अंदर में अब जब भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन से पहले जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बड़ी बड़ी प्रॉमिस करती हैं कोई कहता है फ्री में साइकिल देंगे कोई कहता है फ्री में दो हज़ार रुपये सब प्रति घर को देंगे कोई कहता है फ्री में ये देंगे कोई ये गिफ्ट देता है कोई कहता है टेलीविज़न दे देंगे कोई कह रहा है कि हम चुनाव जीते तो हम आपको सबको क्या देंगे लैपटॉप देंगे ठीक है सर मैं कमेंट बॉक्स में बहुत कम कमेंट कर, करता हूँ बट मैं रेगुलर क्लास लेता हूँ सर लाइक एंड शेयर टाइम पे कर देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद निखिल निखिल यार बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है देखो यार नितिन बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ये जो प्रोत्साहन है ठीक है आप लोगों का जो ये सपोर्ट है यही यार मुझे आगे बढ़ने के लिए इनक्रेज करता है आप देखो सच बता रहा हूँ मैं कल भी मैं ये बात कर रहा था प्लस वाले स्टूडेंट से कल, कल हमारी क्लास जो है लिटरली आप पूछना मैं कल भी ऐसे ही सुबह जल्दी उठा हुआ था छः सात बजे आ, मैं सॉरी छः सात कह रहा हूँ आठ बजे साढ़े आठ बजे तो क्लास ली थी तो कल भी मैं पाँच बजे उठा था और पाँच बजे उठने के बाद सोचो मैं कंटिन्यूसली मैंने काम किया रात के एक बजे तक मैं डेढ़ बजे दो बजे खाना खा के दो बज गए थे ऑलमोस्ट तब मैं सोया हूं और आज मैं फिर से उठ गया था पाँच बजे मतलब दो बजे से मैं तीन घंटे सोया हूं लेकिन फिर भी मैं उठ गया मैं चाहता तो क्या करता मैं क्लास को रिशेड्यूल करता जो जनरली मैं पीछे कुछ दिनों पर मैंने की भी है क्योंकि यार हिम्मत नहीं होती उठने की मेरे घुटनों में दर्द होने लग गया था ठीक है क्या करता है यार नींद से परेशान था आज भी मैं नींद से परेशान हूँ अभी मैं तुरंत जाऊँगा क्लास खत्म करके पहले दो घंटे सोऊंगा भाई क्योंकि तो मैं मुझे पता है अगर नहीं सोया तो हालत हो जाएगी खराब तो बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा हूँ ये जो आपका सपोर्ट है जो आपका प्यार है ना यार यही एनकरेज करता है कुछ कम करने के लिए है ना यही एनकरेज करता है सुबह उठने के लिए यही इसी से आगे बढ़ते हैं तो प्लीज यार ये आपसे रिक्वेस्ट है कि कीप सपोर्टिंग ठीक है आजकल हमारा जो व्यू आपका जो व्यूज़ हैं आपके हमारे जो चैनल पे स्पेशली करंट अफेयर के वो बहुत कम हो गए हैं लाइक शेयर बहुत कम हो गया है बट कोई बात नहीं पहली गलती मेरी क्योंकि मैंने बीच में इरेगुलरिटी जो है वो थोड़ी भंग की है पर अब आप मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इरेगुलरिटी बिल्कुल नहीं होगी इवन मुझे ना इस बार सैटरडे संडे को कहीं जाना है मुझे ठीक है शायद मंडे को भी मैं ना रहूँ लेकिन मैं करंट अफेयर फिर भी करूँगा चाहे मुझे वहाँ से करना पड़ो करंट अफेयर में मिस नहीं करूंगा लेकिन आप भी यार इसमें क्या करोगे सपोर्ट करोगे पहले की तरह अपने को यूपीएससी का इसको नंबर वन शो बनाना है तो इसमें मुझे आपका साथ चाहिए मैं आपको क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री बाइज पोलिटिकल पार्टी आपकी पॉलिटिकल पार्टी जब आपका चुनाव लड़ती है ना आपके किसी राज्य के अंदर या नेशनल स्तर पर या आपके स्टेट लेवल पर जिसमें स्टेट पॉलिटिकल पार्टी भी होती है और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी भी होती है तो उनका एक चुनावी मैनिफेस्टो आता है चुनाव से पहले ना एक चुनाव वो मैनिफेस्टो लॉन्च करते हैं इस चुनावी मैनिफेस्टो के अंदर में वो प्रोमिस करते हैं कि वो क्या क्या करेंगे कि जब चुनाव लड़ेंगे और वो चुनाव जीत जाएंगे तो उसके बाद वो क्या क्या स्टेप्स लेंगे क्या क्या चीज़ें वो इम्प्लीमेंट करेंगे क्या क्या बदलाव वो लेके आएंगे और उसके अंदर में बहुत सारे गिफ्ट्स और फ्री वाइज भी आपको देने का वादा करते हैं कि हम ये गिफ्ट देंगे ये गिफ्ट देंगे हम जीत गए हमारी सरकार बन गई तो हम ये कर देंगे अब इससे क्या होता है ना इससे जो देश के अंदर में फ्री और फेयर इलेक्शन का माहौल है वो गड़बड़ होता है तो एक लॉयर है अश्वनी उपाध्याय साहब तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल के उन्होंने कह दिया कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव के समय किसी भी प्रकार की फ्री बाइज और गिफ्ट कोई भी फ्री की चीज का और गिफ्ट का ऐलान करती है कोई कहती है हम जीत गए तो ये देंगे हम जीत गए तो फ्रिज देंगे हम जीते तो वॉशिंग मशीन देंगे ऐसा अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करती है तो इलेक्शन कमीशन को उसका सिंबल जो है पार्टी सिंबल जो है वो जब्त कर लेना चाहिए इलेक्शन सिंबल अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बुलाया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ठीक है आपकी जिम्मेदारी है देश के अंदर में फ्री और फेयर इलेक्शन कराना आप आओ और बताओ क्या मुद्दा है इलेक्शन कमीशन गया और बहुत ही बढ़िया जवाब दिया उन्होंने उल्टी हथकड़ी लगा दी सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि देखो मैं राज्य के अंदर में फ्री और फेयर चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार हूँ देश के अंदर ये मेरा काम है लेकिन मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो प्रोमिसज हैं उनको मैं रेगुलेट नहीं कर सकता क्योंकि तो मेरा वो काम भी नहीं है कि वो क्या बोले चुनावी मैनिफेस्टो में है ना और ना ही मेरा ये काम है कि जब वो जीत के सरकार बनाते हैं तो वो क्या पॉलिसी डिसीजन लेते हैं वो भी मेरा काम नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली ये मेरा वो ही नहीं है राइट ही नहीं है कि जीतने के बाद वो क्या करते हैं मेरा काम है फ्री और फेयर इलेक्शन कराना वो मैं कराता हूं और मैं चुनावी जो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके माध्यम से मैं इंश्योर करता हूं कि देश के अंदर में चुनाव फ्री और फेयर तरीके से हो अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है जब चुनाव होता है थोड़े दिन पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है ठीक है आचार संहिता जिसको बोलते हैं इसके तहत गवर्नमेंट ना तो कोई नया रिक्रूटमेंट कर सकती है ना तो नई कोई पॉलिसी निकाल सकती है ठीक है जिससे देश के अंदर में जो चुनावी माहौल है वो किसी के फेवर में ना जाए अश्विन उपाध्याय साहब ने ये भी बोला कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी जीत के जो आपको फ्री के गिफ्ट देगी आपको पता है फ्री के गिफ्ट आप ही की जेब से जाते हैं आपको ये फ्री में गिफ्ट देते हैं तो आपकी जेब कटती है उससे पहले ठीक है मैं आपको बता देता हूं आपको नहीं पता तो जो दो हजार रुपए जो आपको फ्री मिलेंगे या वो पार्टी ये पैसे आप ही की जेब से जाएंगे किसी किसी चीज़ में टैक्स बढ़ जाएगा कुछ हो जाएगा आप ही की जेब से जाने वाले हैं पैसे सरकार ऐसा नहीं है कि नोट छाप के तुम्हें दे देगी ये गलत है तुम्हें ये पैसा तुम्हारी जेब से जाता है अगर आपको कुछ चीज़ फ्री में मिलती है देर इज नथिंग फ्री इन दिस मॉडर्न टाइम आज के टाइम में कुछ फ्री तो होता नहीं है एवरी थिंग कम्स एट अ प्राइज सबका एक कॉस्ट होता है मैं आपको सच बता रहा हूँ सरकार जो आपको सब्सिडी देती है ना उसके लिए भी सरकार कहीं ना कहीं से पैसा टैक्स के लिए टैक्स लगा के ही वसूल करती है आपको अलग अलग सब्सिडी मिलती है ना वो सब्सिडी भी पता है आप ही की जेब से सब्सिडाइज सबसे होती है सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है सरकार के पास सरकार की जो अर्निंग है और सरकार अर्न कहाँ से करती है आप ही लोगों से टैक्स लगा के अर्न करती है आप ही लोगों को सर्विस प्रोवाइड करके अर्न करती है ठीक है तो कहीं ना कहीं वो पैसा आप ही से निकल जाएगा ठीक है ट्रांसपोर्ट का भाड़ा बढ़ जाएगा कुछ ना कुछ तेल पेट्रोल डीजल का भाड़ा बढ़ जाएगा कुछ टैक्स में वृद्धि हो जाएगी कुछ ना कुछ आप ही की जेब से निकलेगा और ये जो पब्लिक की से पैसा है पब्लिक फंड कहते हैं इसको इस पब्लिक फंड का ही इस्तेमाल किया जाता है फ्री की चीजें देने के लिए तो अश्विन उपाध्याय जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो पब्लिक फंड का इस्तेमाल करे ऐसे फ्रीबाइज देने के लिए उसका आप इलेक्शन सिंबल ही जब्त कर लो ठीक है तो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि देखो यार आज भारत के अंदर में ना पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करने का तरीका बताया गया है कि कब आप पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करोगे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे चुनाव होते हैं असेंबली के इलेक्शन होते हैं और लोकसभा के चुनाव होते हैं उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर किसी भी पार्टी पार्टी को स्टेट या नेशनल लेवल की पार्टी बनाया जाता है तो हमारे संविधान के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करने का तो ग्राउंड दिया हुआ है बट उसको अनरिकोगनाइज करने की क्या प्रोसेस है वो नहीं दी गई हुई है ठीक है लेकिन चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि हम अभी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत कर रहे हैं हम एक नया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना रहे हैं जिसमें हमने पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत की है कि अपने चुनावी मैनिफेस्टो के साथ साथ अपने घोषणा पत्र के साथ साथ आप हमें यह भी बताओगे कि आप क्या क्या स्कीम जो है वो चलाने वाले हैं उसका भी एक हमें लिस्ट दोगे तो अभी इस पर कंसेंसस बना नहीं है पॉलिटिकल पार्टियों से बातचीत चल रही है ये इलेक्शन कमीशन ने किसको सूचित किया दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने हमारे सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया ये बात अगर आपको समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में एक बार एक बार फटाफट से क्या करिएगा ओके okay की रिपोर्ट कर दीजिएगा अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो गाइज प्लीज एक बार क्या कर दीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ओके okay की रिपोर्ट कर दीजिएगा जल्दी फटाफट से इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज गाइज अगर समझ में आ गया ओके की रिपोर्ट कर दीजिएगा सर प्लीज़ एक जोग्रफी ऑप्शन जोग्रफी की ऑप्शनल की भी लेके आएंगे ठीक है आइडिया मिल जाएगा ठीक है ठीक है वो भी कराएंगे वो भी मैं करा दूंगा डोंट वरी ठीक है पर पहले यार अभी प्री आया हुआ है तो प्री का मैं काम कर लूँ फिर अपना जोग्रफी वन जीरो वन चैनल है वहाँ मैं करा दूंगा टेंशन मत लो थोड़ा सा बस समय दे दो मुझे जैसे अभी आप बस उसको समय के हिसाब से हम देख लेंगे करा दूंगा मैं एकदम आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि करा दूंगा अच्छा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे बच्चों एक बार यार जिन्होंने कर दिया वीडियो को लाइक बहुत बहुत धन्यवाद बट जिन्होंने नहीं किया अभी भी उनसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने शेयर नहीं किया है तो एक बार अगर आप शेयर कर सकते हैं तो वो भी कर दें ठीक है वीडियो को एक बार आप क्या कर दें शेयर भी कर दें सो दैट एवरीबडी कैन कम एंड ज्वाइन द सेशन ठीक है वैसे अभी सारे लोगों का मुझे पता है एग्जाम एग्जाम चल रहा है तो वो भी एक प्रॉब्लम है बट कोई बात नहीं अपना काम आप आगे बढ़ाते हैं ठीक है आप भी यार करते रहो ओके तो ये हमने बात किया था ऑफरिंग फ्री बाईज अ पॉलिसी कॉल भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बुलाया गया चुनाव आयोग को कि भाई बताओ सुप्रीम कोर्ट में कि अश्वनी उपाध्याय साहब ने पिटिशन डाल ली या ऐसा ऐसा कह रहे हैं तो क्या किया जाए तो चुनाव आयोग ने कहा कि यार ये एक पॉलिसी डिसीजन है एक पॉलिसी कॉल है हम कुछ नहीं कर सकते इसमें ये पॉलिसी कॉल है क्या करना है क्या नहीं करना वो सरकार के हाथ में हमारा काम चुनाव कराना है ठीक है और ऐसा संविधान में कुछ है ही नहीं बट हाँ फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं हमने पॉलिटिकल पार्टी से बात की कि चुनावी घोषणा पत्र के साथ में आप ये जो स्कीम है इनके बारे में भी हमें बताएंगे जीएस पेपर दो से संबंधित है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग ऑफ द एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं तो ये आपका पॉलिटी से और गवर्नेंस से संबंधित है तो जीएस पेपर टू का टॉपिक हो गया क्या कह रहा है दोस्तों कह रहा है ऑफरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री बाइज आईदर बिफोर इलेक्शन इज अ पॉलिसी डिसीजन कह रहा है कि इलेक्शन से पहले कुछ देना लोगों को और इलेक्शन के बाद कुछ बांटना लोगों को ये एक पॉलिसी डिसीजन है और पॉलिसी कौन बनाता है सरकार ये एक पॉलिसी डिसीजन है जो एक पॉलिटिकल पार्टी या एक सरकार के द्वारा की जाती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इसमें कोई रोल नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते यही उसने बताया किसको सुप्रीम कोर्ट को इशू क्या था मैंने आपको बताया इशू यही था कि अश्विन उपाध्याय ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल ली कि ऐसा ऐसा होना चाहिए बदले में इलेक्शन कमीशन का क्या जवाब आया उन्होंने कहा कि द प्रोम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए फ्री वाइज बाय पॉलिटिकल पार्टी अमाउंटेड टू ब्राइबरी एंड अनड्यूली इन्फ्लुएंस टू द वॉटर उनका कहना था अश्विन उपाध्याय का कि राजनीतिक दलों के द्वारा ये जो तर्कहीन में मुफ्त के उपहार का वादा किया जाता है इससे देश के अंदर में जो मतदाता हैं वो प्रभावित होते हैं और देश के अंदर में फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो नहीं हो पाता

on their economic health of the state is a question that has to be considered and decided by the water of the state. देखो मैंने अभी आपको अवेयर किया मैंने क्या बताया कि आप कुछ भी कर लो ये पैसा जाना तुम्हारी जेब से है तुम्हें फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला अगर आपको सरकार कुछ फ्री में देने का वादा कर रही है तो यकीन मानना दोस्तों सरकार आपको फ्री में कुछ नहीं देगी उसके बदले में कहीं ना कहीं से आप ही से टैक्स लिया जाएगा सरकार वो कहीं, पैसा कहीं ना कहीं आप ही से निकाल लेगी तो ये डिसाइड तो आपको करना है कि जो देश के अंदर में आपको फ्री की चीजें मिल रही हैं उससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्या फ्री की वो चीज़ें सही हैं बट जनरली हम ऐसा ही सोच लेते हैं हम अपने को कंसिडर वो ध्यान रखते हैं क्योंकि तो इसका भी रीज़न क्या है दोस्तों लैक ऑफ अवेयरनेस ठीक है लैक ऑफ एजुकेशन लोगों को पता नहीं है कि इसके क्या हार्मफुल इम्पैक्ट्स होते हैं ठीक है जो फ्री उनको मिलती हैं ये जो फ्री की चीजें उनको मिलती हैं इनका पता नहीं होता कि इनसे क्या नुकसान है उनको उनके देश को उनके राज्य को तो वो ऐसे ही अपने पे ध्यान केंद्र आ रहा ठीक है फ्री मिल रहा है चलो बहुत बढ़िया है लेकिन इससे जो नुकसान होता है तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है ये खुद राज्य के लोगों को सोचना पड़ेगा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते ये क्योंकि ये एक पॉलिसी डिसीजन है इट कैन नॉट रेगुलेट पॉलिसी एंड डिसीजन दैट मे बी टेकन बाय द विनिंग पार्टी रहा हम यार विनिंग पार्टी भाई वो जीत जाएगी तो जीत जाएगी तो सरकार बनाएगी भाई लोगों ने उनको बहुमत दिया है तो वो कुछ भी करे तो उसकी पॉलिसी में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते बिल्कुल भी नहीं कर सकते ये जो पोल बॉडी है इट कैन नॉट इंटरवीन इन द प्रोमेज मेड बाय द इलेक्शन मैनिफेस्टो अब ये कह रहे हैं कि हम जो इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर वो लिख के प्रॉमिस करते हैं हम उसमें भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि जो चुनावी घोषणा पत्र होता है उसमें क्या लिखना है कितना लिखना है वो भी हम ऐसा नहीं है कि हम अपने आप बताएंगे हम उसमें भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते ये बात उन्होंने बोला है लेकिन हाँ हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के माध्यम से फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो जरूर कराएंगे अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है तो मैंने आपको बताया दोस्तों जब चुनाव होता है ना तो उससे जस्ट पहले एक टाइम होता है जिसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है इसको बोलते हैं हम आचार संहिता इसके तहत में आचार बेचा जाता है नहीं नहीं आचार संहिता का मतलब क्या होता है कि इसके तहत में सरकार की कुछ एग्जीक्यूटिव और पॉलिसी डिसीजन पर रोक लग जाती है जो सरकार वर्तमान में पावर में है जनरली ऐसा माना जाता है कि इतने टाइम पर भाई चुनाव होने वाले हैं तो लगभग ऑलमोस्ट पांच साल होने वाले हैं सरकार को तो ऐसा माना जाता है कि पांच साल में उसने घने काम भी कर लिए और बतेरे उसने पॉलिसी जो बनानी थी वो बना भी ली अब कोई जरूरत नहीं है तो आखिरी के टाइम पे आके सरकार को ये बोल दिया जाता है कि आप ना तो कोई नई पॉलिसी बनाओगे ना ही आप कोई नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे ना ही आप नई हायरिंग करोगे है ना क्योंकि इससे क्या होता है फिर अगली बार का जो चुनाव है ना वो प्रभावित होता है एक पार्टी है जिसने चार साल कुछ नहीं किया लेकिन पांचवें साल में जब उसका सरकार आने तो उसने भर्तियां निकाल दी ठीक है भाई वैकेंसी निकाल रहे हैं लोगों को रोजगार देंगे हम अब वोटर प्रभावित हो जाएंगे यार इतनी भर्ती निकाल दी इसने ठीक है तो इलेक्शन उसके फेवर में जाता है है ना तो इस चक्कर के अंदर में कोई नई पॉलिसी बना दे आखिरी टाइम पे बिल्कुल लास्ट टाइम पे कि भाई हम ऐसा ऐसा करेंगे अब सब उससे लगे यार ये तो पार्टी बड़ी अच्छी है पॉलिसी बना दी तो ऐसे यार कोई चुनाव के अंदर में एडवांटेज ना ले पाए इसके लिए दोस्तों यहां पे क्या किया गया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइन इसके अंदर में कुछ गाइडलाइन दी जाती हैं दैट आर इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती हैं ठीक है किसके लिए पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये गाइडलाइन होती है जो चुनाव में उनको फॉलो करनी पड़ती है दोस्तों ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जैसे ही आप चुनाव का चुनाव का शेड्यूल अनाउंस कर देते हैं कि हाँ भाई इस इस डेट इस को ऐसे ऐसे करके इतने फेज के अंदर में चुनाव होगा तो जैसे ही आपने चुनाव का शेड्यूल अनाउंस कर दिया उसके बाद में ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आचार संहिता या आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको लगा देता है अब क्या होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट गवर्नमेंट यूजअली डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी न्यू ग्राउंड फॉर प्रोजेक्ट्स और पब्लिक वंस व मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इन टू फोर्स एक बार अगर एम सी सी आचार संहिता लग गई तो सरकार ना तो कोई नई पॉलिसी बना सकती है और ना ही कोई बड़ी पॉलिसी अनाउंसमेंट कर सकती है कि हम ऐसा करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार आमतौर पर परियोजनाओं या सार्वजनिक पहल के लिए कोई नया आधार नहीं पेश कर सकती उसके अलावा गवर्नमेंट बॉडीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्शन सरकारी निकायों को चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किसी भी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित किया है कि कोई भी नया रिक्रूटमेंट जो है आप इस टाइम पर नहीं करोगे जब राज्य के अंदर या देश के अंदर में चुनाव आपके हो रहे हों इसके अलावा जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है और उनके जो कैंपेनर्स हैं भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे कैंपेनर्स भी हैं बहुत सारे तो जिस प्रकार मैं चुनाव में प्रचार कर रहा हूं ऐसे ही ओपोजिशन जो है दूसरे लोग हैं उनको भी चुनाव कर, प्रचार करने का अधिकार है तो मैं अपने इलाके में दूसरों के चुनाव प्रचार को प्रतिवादित वो नहीं करूंगा मतलब डिस्टर्ब नहीं करूंगा ये भी यहाँ पे बोला गया कि द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स एंड देयर कैंपेनर्स आर नॉट सपोज टू डिस्टर्ब द फ्रीडम ऑफ रोड शो ऑफ देयर ओपोनेंट कैंडिडेट कि जो हमारा प्रतिद्वंदी उम्मीदवार है उसको भी रोड शो करने का अधिकार है और हम उनके अधिकार को उनसे वंचित नहीं करेंगे हम उनके रोड शो में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे द कोड ऑफ कंडक्ट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द ओवर दिस मेजरली ठीक है द इलेक्शन कैंपेनर रैली एंड रोड शो मस्ट नॉट अफेक्ट द रोड ट्रैफिक एंड द जनरल पब्लिक अच्छा ये भी बोला गया है कि जो तुम रोड शो करोगे ना ठीक है ये भी याद रखना उसे जनरल पब्लिक जो है उसको भी उसकी जो फ्रीडम है ठीक है वो जो ट्रैफिक है रोड के ऊपर में वो भी प्रभावित नहीं होना चाहिए बट ठीक है आपको भी पता है कौन इस चीज़ को ध्यान देता है और कितना ध्यान देता है यू बेटर नो दिस आपको पता है दोस्तों इसके बारे में ठीक है जानते हैं ना सब लोग आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मैं बात करता हूं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट बॉडी है जिसको संविधान के तहत हमने बनाया हुआ है आर्टिकल तीन सौ चौरानवे चौबीस से लेकर आर्टिकल तीन सौ उनतीस के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो देश के अंदर में चुनाव कराती है भारत के संविधान में इसका नाम है डायरेक्टली इंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री तो पहली बात एक परमानेंट बॉडी इलेक्शन कमीशन मतलब आप इसको डिजॉल्व नहीं कर सकते दूसरा एक इंडिपेंडेंट बॉडी है मतलब ये देश की पार्लियामेंट को जवाब दे है सीधा ये भारत के संविधान के द्वारा बनी है दैट मीन्स इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक संवैधानिक बॉडी है आर्टिकल दो सो, तीन सो और तीन इसके बारे में बताता है इसमें इसकी पावर क्या है इसके फंक्शन क्या है कितना कार्यकाल होगा एलिजिबिलिटी क्या होगी कमीशन के मेंबर कौन कौन होंगे सब बताया गया है ये एक ऑटोनोमस अथॉरिटी है इट मीनस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी इसके ऊपर किसी का भी रोल नहीं है हाँ, पार्लियामेंट के अंदर में सॉरी पार्लियामेंट को भी जवाब जवाबदेह नहीं है सॉरी मैं गलत बोल गया ये जो है दोस्तों ये देश की जनता के लिए जव, जव, जवाब दे है ये अपने काम के लिए ऑटोनोमस क्या है अथॉरिटी है आपका ये अब दोस्तों मैंने आपको बताया ऐसा नहीं इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल याद खड़े कर दी उसने कहा कि वी आर डूइंग वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट हम सभी पॉलिटिकल पार्टियों से मिले हैं बातचीत की है हमने उनसे कहा है कि आप क्या करो देश के अंदर में फ्री और फेयर इलेक्शन एंश्योर करने के लिए आप एक काम करो आपका जो चुनावी जो आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो आप हमें सबमिट करो पहली बात तो ठीक है वो हमें दो साथ साथ में आप जो भी घोषणाएं कर रहे हैं उस समय पे उसके बारे में भी हमें बता दो ठीक है ये बात यहाँ पर बोली गई है अच्छा रिलेटेड सर्च में बात करते हैं सर क्या है डीलिंग ठीक है क्या-क्या है जिसके आधार पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू किया जाता है साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना इसके बारे में आपको अच्छा एक टॉपिक और है लक्ष्मीकांत में एक टॉपिक और है जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज अच्छा कैसे पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी बनाया जाता है ठीक है कितना उसका कंडीशन क्या है है ना उसको इलेक्शन में इतने परसेंट वोट लेने होते हैं कुछ ऐसा होता है और कैसे पोलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी डिक्लेयर किया जाता है स्टेट पार्टी तो इनको किस प्रकार से रिकॉग्नाइज किया जाता है वो क्राइटेरिया आपको इसमें पढ़ना है ठीक है ना वो क्राइटेरिया आपको पढ़ना है कि कब एक पार्टी को स्टेट पार्टी बोलते हैं और कब एक पार्टी को हम नेशनल लेवल पार्टी बोलते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपसे पूछा सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कौन कौन है इसके काम क्या है दोस्तों मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है एंड इसके प्रोविजन क्या है अलग अलग जो एम के अंदर में आते हैं ठीक है अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों एक सवाल है एमसीक्यू जो मैंने आपको दिया है क्या कह रहा है विच इज फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट दी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भारत के अंदर में वो कौन सा पहला राज्य था जिसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट किया छोटा सवाल है बिल्कुल वन लाइनर रखा है मैंने इंफॉर्मेटिव बताइए कौन सा राज्य है जिसने पहली बार भारत के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया फटाफट बताओगे आप जल्दी से मुझे फटाफट जवाब जवाब दो ए बी सी या डी जल्दी बताएंगे क्विक देखते हैं क्या जवाब देते हो डी चलिए मैक्सिमम बच्चे डी बोल रहे हैं बहुत सही ठीक है केरल इज द करेक्ट आंसर आचार संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था केरल बिल्कुल सही है अच्छा मेंस का क्वेश्चन देखते हैं व्हाट आर द द द लिमिटेशन फेस्ड बाय मॉडल कोड ऑफ ऑफ कंडक्ट इन डिजिटल एज पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट डिस्कस भाई सो शब्द में लिखना है देखो यार अब पिछला जो चुनाव था वो तो आपको पता है चुनाव हुआ था और बहुत सारे राज्यों के अंदर में क्या था कोरोना की वजह से लॉकडाउन भी था लेकिन चुनाव के लिए कोई लॉकडाउन नहीं था ठीक है जिस समय वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे थे ठीक है उस समय कोरोना अपने पीक पे था और ऐसा बहुत सारे केस जो हैं फेटिलिटी जो हैं, वो है वो बढ़ी हुई हैं बट पोलिटिकल पार्टियों ने खूब जम के क्या किया प्रचार और प्रचार किए हैं वो एक अलग बात है उसको छोड़ देते हैं बात करते हैं दोस्तों आज का जो युग है वो डिजिटल युग है आज की जो एज है वो डिजिटल एज है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है आप फिजिकली एन्फोर्स कर सकते हो बट इस डिजिटल एज के अंदर में आप कैसे इंश्योर करोगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो हो रहा है कैसे इलेक्शन कमीशन के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं क्योंकि डिजिटली जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो शायद इतना काम ना करे वो इतना इफेक्टिव ना हो तो आपको वो चैलेंजेस बताने हैं जो आज की डिजिटल एज में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के सामने हैं और साथ साथ में उनको चैलेंजेस को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं कैसे उनको इफेक्टिवली हम रिजॉल्व कर सकते हैं सो दिस इज़ बेसिकली अवर क्वेश्चन तो मैं आज एक तो मुंह में यार छाले हो रखे हैं तो मैं बहुत स्लो बोल पा रहा हूँ और दूसरी बात क्या है दोस्तों ऑलरेडी क्योंकि आपकी बाकी क्लासेस भी होंगी तो मैं आज इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कैसे करना है ठीक है तो आप लिख लेना मैं आपको करा दूंगा बाद में आंसर राइटिंग में करा दूंगा ये एक ऑफर था हमारा स्पेशल ऑफर दोस्तों इसमें हम बेसिकली दो साल का और तीन साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर थ्री ईयर के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको सिक्स मंथ का क्या मिल रहा था दोस्तों सिक्स मंथ का आपको एक्स्ट्रा मिल रहा था ये सिक्स मंथ का एक्स्ट्रा के साथ साथ प्लस आपको टेन परसेंट क्या मिल रहा है डिस्काउंट भी मिल रहा है ठीक है जब आप मेरा कोड यूज कर रहे हैं सुमित टेन अच्छा किसी भी बच्चे को सब्सक्राइब करना है ज्वाइन करना है तो आप क्या कर सकते हैं आप देखो कमेंट बॉक्स में ऊपर लिंक दिया है एक उस लिंक पे जाके क्लिक करो एक फॉर्म आएगा गूगल फॉर्म उसको भर दो उसके बाद में आप जब उस फॉर्म को भर दोगे दोस्तों तो आपके पास में कॉल आ जाएगा अगर आपको सब्सक्रिप्शन संबंधी कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो मुझे भी मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी बाकी जब आप इस पर कॉल करोगे इस इस गूगल फॉर्म को भरोगे तो आपके पास मेरी टीम का कॉल आ जाएगा आप उसको बता देना कि सुमित सर से पढ़ते हैं हम सुमित टेन कोड यूज़ करना है जैसे ही सब्सक्रिप्शन हो जाए आपको अपनी रिसिप्ट मुझे मेल कर देनी है ठीक है या मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दो मैं आपको अपने ग्रुप में क्या कर लूंगा ऐड कर लूंगा ठीक है चलिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों हिंदी याद रखना देखो जो कमेंट बॉक्स है उसमें फॉर्म लगा हुआ है ठीक है तो उस जाके एक बार क्लिक करके फॉर्म को भर देना हिंदी के ऊपर आजकल बड़ा वो हो रहा है हिंदी के ऊपर आजकल बड़ा लोचा चल रहा है ना हिंदी के ऊपर काफी सारी कंट्रोवर्सी हो रही है उसका कारण क्या है मैं बताता हूँ देखो हमारी पार्लियामेंट के अंदर में कमेटी बनाई गई ठीक है और इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो हमारे कौन है मोटा भाई हमारे गृह मंत्री देश के अमित शाह ठीक तो है तो अमित शाह जी जो हैं वो इस कमेटी के क्या हैं चेयरमैन हैं अब इस कमेटी ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है रिपोर्ट में और पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने कहा है कि आप देखो भारत का जो ऑफिशियल वर्क है कैबिनेट का लगभग लगभग सत्तर परसेंट काम जो है वो हिंदी में हो रहा है जब देश में हमारी आजादी मिली हमें जब हमारा संविधान लागू हुआ पहला जनरल इलेक्शन लिया उसके बाद एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास हुआ जिसके तहत में प्रावधान था कि पहले पंद्रह साल में हम इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे ठीक है उसके बाद 1965 था आई थिंक उसके अंदर फिर से इसको संशोधित किया गया ठीक है उसमें कहा कि हम क्या करेंगे अभी इंग्लिश को पंद्रह साल के लिए नहीं हम इनडेफिनेट जब तक कोई नया कानून नहीं आ जाए तब तक इसको, इसको इस्तेमाल करते रहेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अलोंग विद दी अदर लैंग्वेज लाइक हिंदी अब जो वर्तमान की हमारी सरकार है ठीक है बीजेपी की जो सरकार है एनडीए की जो गवर्नमेंट है वो हिंदी को काफी प्रोत्साहित कर रही है ठीक है एज अ मातृभाषा हिंदी को मातृभाषा के रूप में क्या करी? कर रही है जो ये भी प्रयास कर रही है कि हिंदी को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हम एक्सेप्ट करें और इसको पॉपुलराइज कर दें हर जगह पे तो सारे काम जो हैं वो हिंदी में हो तो रीजनल लैंग्वेज ना पकड़े हम अब इंग्लिश का हम ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं तो भारत के अंदर में आपको पता है दोस्तों विभिन्नताएं बहुत है डाइवर्सिटीज बहुत है सदन स्टेट्स जो है कहीं पर भी हिंदी भाषा जो है वो इतनी अच्छे से नहीं बोली जाती लेकिन जो हमारे देश की सरकार है ये जो पार्लियामेंट्री पैनल है इसका मानना था कि देश के अंदर में आप रीजनल लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश के इंग्लिश के बाद आप रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट मत करो आप जो हिंदी लैंग्वेज है उसको क्या करो प्रमोट करो हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ हिंदी में सारे अपने ऑफिशियल काम करो लेजिस्लेटिव वर्क जुडिशियल वर्क ठीक है एग्जीक्यूटिव वर्क सब हिंदी में करो और इन्होंने कहा कि हम तो 70 परसेंट कैबिनेट का, का काम हिंदी में ही कर रहे हैं तो जो दक्षिण के स्टेट थे उनको ये बात हजम नहीं हुई उन्होंने कहा कि काम करो ना जैसे दक्षिण के स्टेट को तुम कह रहे हो कि आप हिंदी में काम करो आप एक काम करो नॉर्थ इंडिया को बोल दो या आप एक काम करो अमित शाह जी का आप जाओ और दक्षिण भाषा की कोई भाषा सीख लो दक्षिण इंडिया की कोई भाषा सीख लो आप या तो तमिल बोल के दिखाओ मलयालम तेलुगू आप कुछ बोल के दिखाओ आप भाषा सीख के दिखाओ तो उसी के ऊपर एक कॉन्ट्रोवर्सी इधर भी और दूसरा नॉर्थ ईस्ट के अंदर में स्कूल के अंदर में नॉर्थ ईस्ट के जो स्कूल्स हैं उसके अंदर में भी कहा गया है कि हिंदी को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना के पढ़ो ठीक है हिंदी को क्या करो एक कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ाओ और उसको पढ़ाओ ताकि बच्चे हिंदी जो है वो अच्छे से बोल सके और सीख सके अब ऐसे ही वो अगला टॉपिक है मैं उसके बारे में बताऊंगा पर ये टॉपिक समझ में आया हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए प्रमोट किया जा रहा है इंग्लिश के ऑल्टरनेटिव में तो दक्षिण भारत के जो जो स्टेट्स हैं दे आर अपोजिंग दिस मूव वो इसको कह रहे हैं कि ये तो गलत है आप हम पर जो है यूनिफॉर्मिटी थोप रहे हो आप यूनिफॉर्म करने के लिए पूरे देश के अंदर में सारा काम हिंदी में हो इस यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करने के लिए आप देश की डाइवर्सिटी जो है उसके ऊपर साथ खेल रहे हो ठीक है ऐसा नहीं होगा जब दक्षिण भारत के जो लोग हैं उनकी खुद की लैंग्वेज है उनको हिंदी में प्रॉब्लम है तो हिंदी कैसे पढ़ सकते हैं भारत एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें इतनी सारी भाषा इतने सारे कल्चर हैं ठीक है ठेके? तो यूनिफॉर्मिटी करने के लिए आप यूनिटी जो है आप आप डाइवर्सिटी इसको नहीं तोड़ सकते और मोदी अमित शाह जी ने भी कहा कि हिंदी जब बढ़ेगी ना ऐसे तो देश के अंदर यूनिटी बढ़ेगी एकता बढ़ेगी तो सदरन स्टेट्स ने यही कहा कि इसका ये मतलब नहीं यूनिफॉर्मिटी अलग चीज़ होती है यूनिटी अलग चीज़ हो इससे कोई यूनिफॉर्मिटी से कोई यूनिटी नहीं आने वाली तो हिंदी एज एन ऑल्टर टू इंग्लिश चलिए बात करते हैं अमित शाह पिच फॉर हिंदी यूज हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज अमित शाह जी ने कहा लेकिन जो है इसके ऊपर में वो भड़क गया और वो कह रहा है कि नहीं नहीं ये तो बहुत गलत बात है ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए जीएस पेपर दो अगेन ये भी आपका पॉलिटी से पार्ट है गवर्नेंस से पार्ट है दोस्तों ठीक है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पोर्शन डिस्कस होंगे यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह उन्होंने कहा है कि हिंदी लैंग्वेज जो है ना इट इज बीइंग एक्सेप्टेड एज अल्टरनेट टू इंग्लिश वाइड विद विदोजिशन लीडर डबिंग इट द हिंदी इम्पीरियल केंद्रीय गृह मंत्री ने अमित शाह ने जो अभी कहा है कि हिंदी को अंग्रेजी के विकल्प के रूप में आप स्वीकार कर लो ठीक है या स्वीकार किया जा रहा है इस पर जो विपक्ष के नेता है उन्होंने कहा कि तो आप हिंदी साम्राज्यवाद थोप रहे हो ये तो आप हिंदी साम्राज्य क्योंकि दक्षिण में कोई भी स्टेट आपका हिंदी नहीं बोलता और आप ऐसे बोलोगे कि इंग्लिश की जगह हिंदी को यूज करो तो ये तो हिंदी इम्पिरलिज्म हो गया है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डिसाइडेड दैट मीडियम ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट वुड भी दफिशियल लैंग्वेज एंड दिस वुड भी डेफिनेटली इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदी उन्होंने कहा है देश के अंदर में कि जो प्रशासन है मोदी जी ने भी कहा है कि देश के अंदर में जो भी प्रशासन किया जाएगा सरकार चलाने की जो माध्यम होगी राज्य भाषा होगी सरकार चलाने की जो भाषा होगी वो राजभाषा होगी राजभाषा हमारी हो राज हो राज क्या हिंदी तो आप हिंदी को यूज करो ठीक है इससे हिंदी का यूज और बढ़ेगा आप अगर गवर्नेंस के अंदर इसका इस्तेमाल करोगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं किसके दोस्तों पार्लियामेंट्री ऑफिशियल उन्होंने, कहा है, उन्होंने किया पार्लियामेंट को सत्तर परसेंट जो यूनियन कैबिनेट का एजेंडा है अब वो हिंदी के अंदर प्रिपेयर हो रहा है हिंदी के अंदर प्रिपेयर होता है का, का काम सत्तर हिंदी में हो रहा है टाइम एट कम अब कह रहे समय आ चुका है क्योंकि जब हमने इनिशियल स्टार्ट किया था तो हमने पंद्रह साल इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज माना था अब ये कह रहे हैं कि समय आ गया है दोस्तों टू मेक द ऑफिशियल लैंग्वेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूनिटी ऑफ द कंट्री कि देश की जो ऑफिशियल भाषा है उसको हम देश की यूनिटी के साथ में जोड़ सकें राज्य भाषा को देश की एकता का महत्वपूर्ण अंग बनाने का समय आ गया है ठीक है किसने कहा अमित शाह जी ने और उसके ऊपर देश के अंदर में अब बबाल एक क्रिटिसिज्म सा एक बहस छिड़ गई है हिंदी शुड बी एक्सेप्टेड एज एजटरनेट टू द इंग्लिश एंड नॉट टू द लोकल लैंग्वेज इनका मानना है अमित शाह जी का मानना है कि जो हिंदी है उसको आप इंग्लिश के ऑल्टरनेट में यूज करना स्टार्ट करो लोकल लैंग्वेज को मत बढ़ावा दो आप हिंदी को बढ़ावा दो ये किसका कहना है अमित शाह का और इसी पे क्रिटिसिज्म हुआ इनका और कहा कि सरकार जो है केंद्र सरकार जो है ये तो हिंदी इंपेरियलिज्म को थोप रही है क्रिटिसिज्म बाय ओपोजिशन क्या बोला गया कि वाई यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर डिड नॉट लर्न साउथ इंडियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट ऑफ रैमिंग हिंदी डाउन एवरी वन थ्रूट कह रहे वो सबके नीचे गले के नीचे हिंदी को उतारना चाहते हैं एक काम करो ना उनको बोलो कि वो एक साउथ इंडिया की कोई लैंग्वेज सीख ले कोई तेलुगु मलयालम कन्नड़ कुछ सीख के दिखाए हिंदी विल बी डेथ नेल फॉर इंडिया इन्होंने कहा कि हिंदी साम्राज्यवाद भारत के लिए एक मौत की घंटी होगी ये करना ना ये जो हिंदी को आप ये कर रहे हो ये भारत की यूनिटी के लिए बहुत खराब चीज होगी ये भारत के लिए एक मौत की घंटी है प्रमोटिंग अ लैंग्वेज दैट एडवांटेज वन सेट ऑफ इंडियंस ओवर अदर इज रेसिपी फॉर डाइवर्सिटी अब मोदी जी ने कहा क्या कि देश के अंदर में एकता बढ़ेगी इससे अगर आप हिंदी का इस्तेमाल करोगे तो ठीक है अमित शाह ने भी बोला ऐसा ही लेकिन ये कहना इनका मानना जो है वो अलग है उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा उत्तर भारत में बोली जाती है तो जब आप हिंदी भाषा को प्रमोट करते हो इसका मतलब आप भारत के एक वर्ग को प्रोत्साहित कर रहे हैं एक वर्ग की भाषा को प्रोत्साहित कर रहे हैं तो ये करना जो है वो क्या होगा गलत होगा इसका मतलब है कि आप देश को बांट रहे हो आप यूनिटी को चुन रहे हो आप डिवीज़न कर रहे हो डाइवर्सिटी नहीं देख रहे कंपनी आ, कंट्री की आप क्या कर रहे हो डिवीजन कर रहे हो एक ऐसी भाषा को बढ़ावा देना जो दूसरे एक ऐसी भाषा को बढ़ावा देना जो भारतीयों के एक समूह को दूसरे समूह पर लाभ पहुंचाए विविधा पर विभाजन का एक नुस्खा है दोस्तों यूनिफॉर्मिटी इज नॉट यूनिटी उन्होंने कहा कि ये यूनिफॉर्मिटी मतलब पूरे देश में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाए ये यूनिटी नहीं है ये गलत सोच रहे हो आप इट इज़ नॉट ए यूनिटी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूं तो हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर में इज डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन अंडर दर्टिकल तीन सौ तैंतालीस प्रोविजन ए देवनागरी लिपि के अंदर हिंदी जो है उसको हमने अनुच्छेद तीन सौ तैंतालीस के तहत में राज्य की राज संघ की राज्य भाषा घोषित किया तो यूनियन गवर्नमेंट की राज्य भाषा आर्टिकल तीन सौ तैंतालीस ए के तहत में क्या है दोस्तों हिंदी while adopting एंड फ्रेमिंग ऑफ द constitution इट was envisaged that इंग्लिश विल कंटिन्यू टू बी used फॉर एक्जीक्यूटिव जुडिशियलीगल legal फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ द the 15 टिल द the 1965 जब हम संविधान बना रहे थे ना उसी समय हमने ये प्रोविजन बनाया था कि हम क्या करेंगे जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव काम होंगे जुडिशियल काम होंगे या हमारा जितना भी लीगल काम होगा उसके लिए हम इनिशियली पंद्रह साल के लिए क्योंकि अंग्रेज यार सारा रिकॉर्ड इंग्लिश में था अंग्रेजों ने रिकॉर्ड बनाया था सब कुछ है ना तो वही चला जा रहा था तो इसलिए हमने कहा कि ठीक है हम इंग्लिश में ही करेंगे संविधान को अपनाने और बनाने के दौरान यह परिकल्पना की गई थी कि अंग्रेजी का उपयोग हम सभी कार्यकारी न्यायिक और कानूनी उद्देश्यों के लिए पंद्रह साल तक करेंगे ठीक है यानी कि उन्नीस तक अब उन्नीस के बाद क्या होगा उन्नीस में से पहले उन्नीस में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट उन्नीस एक पास होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करता है और अलाउ करता है कि जो कंटिन्यूएशन ऑफ इंग्लिश विद हिंदी फॉर द इंडेफिनेटली कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी इंडेफिनेटली के लिए क्या करो इस्तेमाल करो जब तक कोई नया कानून ना आ जाए और इसको बदल ना दिया जाए तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट उन्नीस के तहत यह कहा गया कि जब तक कोई नया कानून ना आ जाए तब तक आप इंग्लिश को इनडेफिनेट टाइम के लिए कंटिन्यू करो बट साथ साथ में एडिशनली आप हिंदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिसाइड इट प्रोवाइडेड दैट द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज फॉर सम स्पेसिफिक परपज इन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा क्या किया जा सकता है कि जो हमारे प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है देश के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या होंगे किसी काम के लिए किसी अलग लैंग्वेज को भी बोल सकते हैं प्रेसिडेंट प्रेजिडेंट मेंाइज द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज राष्ट्र इसके अलावा यह भी प्रावधान दिया गया कि राष्ट्रपति कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए हिंदी भाषा का उपयोग भी अधिकृत कर सकते हैं ये कब किया गया तिरसठ में राज्य भाषा अधिनियम उन्नीस के तहत में ये बात आपको समझ में आ रही है पार्लियामेंट्री कमेटीज क्या होती हैं क्योंकि अभी पार्लियामेंट्री कमेटी तो बनी है हिंदी के ऊपर और इस पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के चेयरमैन कौन है अमित शाह जी और इसी के बयान के ऊपर तो बबाल हुआ है तो समझ लेते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है प्यारे बच्चों अगर पार्लियामेंट की बात करूं मैं तो लगभग लगभग 800 आदमियों का एक बॉडी होती है ठीक है पांच सौ आपके कहा से लोकसभा से और 250 सौ आपके कहा हो गए राज्यसभा में तो कुल मिला के मतलब मैं कह रहा हूँ कि लगभग लगभग आठ लोग हो गए आठ लोगों की ये बॉडी होती है पार्लियामेंट जिसको आप कहते हो अब किसी मुद्दे पर 800 लोगों की सहमति जताना मतलब एक साथ करना ये बहुत मुश्किल होता है और ये 800 लोग भारत के अलग अलग भागों से होते हैं ठीक है तो देश के अंदर में जो लेजिस्लेटिव वर्क है जो कानून बनाने का है जो इफेक्टिव सरकार चलाने का काम है इसके लिए यार कमेटियां बनाई जाती है और आपको पता है दोस्तों सारे एम पी जो हमारे वो पढ़े लिखे तो होते नहीं है, है ना अनपढ़ भी होते हैं कहीं को नॉलेज ही नहीं होती इस बारे में तो इसीलिए जो काम है जो लॉ मेकिंग है वो इफेक्टिव हो सके इसीलिए अलग अलग कमेटी बनाई जाती है ताकि ये जो काम है वो एक्सपर्ट के द्वारा किया जाए लॉ मेकिंग का काम एक्सपर्ट लोग करें इसीलिए पार्लियामेंट की कमेटी बनाई जाती है कमेटी दो प्रकार की होती है एक होती है एडहॉक कमेटी और एक होती है आपकी दोस्तों परमानेंट कमेटी दो प्रकार की कमेटी होती है ठीक है एडहॉक और दूसरी कौन सी कमेटी होती है दोस्तों आपकी स्टैंडिंग कमेटी स्टैंडिंग कमेटी जो होती है परमानेंट होती है मतलब ये फिक्स रहती है स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट में है वो बनती बनती है वो डिजोल्व नहीं होती दूसरी कुछ कमेटी होती है जिनको हम एडॉक कमेटी कहते हैं एडॉक कमेटी का मतलब वो कमेटी जिसको कोई स्पेशल काम के लिए बनाया गया है

वो अध्यक्ष के निर्देशन में काम करते हैं और अपनी रिपोर्ट सदन को या स्पीकर को देते हैं दोस्तों ठीक है ये बात यहाँ पे बोली गई है पार्लियामेंट्री कमेटी दो प्रकार की स्थायी समितियां और तदर्थ स्थायी समितियां जो परमानेंट रहती है हमेशा इनको डिजोल्व नहीं करते और तदर्थ इनका काम क्या होता है कि जब कोई टेम्प्रेरी काम हमें कराना है तो अब हम इसको बनाएंगे आफ्टर दैट वर्क इज़ कंप्लीट हम इन कमेटीज़ को क्या कर देंगे डिजोल्व कर देंगे सो दीज आर टू टाइप ऑफ द कमेटी अच्छा आप सुनो मेरी बात रिलेटेड सर्च में क्या करना है मैं तो चाह रहा एक चैप्टर है ना तो बहुत सारी कमेटीज के बारे में बताया गया है बहुत सारी कमेटी के ऊपर में एक स्पेशल टॉपिक है मैं चाहता हूं एक बार आप आज उसको पढ़ लें हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई बताओ दोस्तों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हाँ बिल्कुल सही है वित्त समितियां विभागीय समितियां संसदीय समिति हिंदी भाषा समिति और हॉक समिति एक बार देख लेना उसको जाके कई प्रकार की होती है एस्टिमेट कमेटी पब्लिक अकाउंट कमेटी है ना कई सारी कमेटीज होती हैं एक बार वहां से जाके आप पढ़ लेना लक्ष्मीकांत जी की किताब जो है लक्ष्मीकांत पॉलिटी की जो किताब है उसके अंदर पार्लियामेंट के चैप्टर में आखिरी में लिखा है ये कर लोगे या नहीं करोगे देखो यार अगर आप नहीं करोगे ना मेरा ये रिलेटेड सर्च देने का ये कोई मतलब नहीं बनता अब मैं थोड़ा कम दे रहा हूं काम रिलेटेड सर्च में ताकि आप उसको कर सको ठीक है करना है यार देखो तैयारी जो है ना ये आपने भी सोची है कि मुझे बनना है तभी आप यहां समय दे रहे हो दो प्रकार के बच्चे हैं या तो खाली पीली समय टाइम पास कर रहे हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहे बट जो बच्चे वास्तविकता में यार कुछ करना चाहते हैं यूपीएससी नहीं स्टेट पीसीएस जो भी करना चाहते हैं उनका सपना है कि उनको कुछ करना है उन्होंने सोचा है उन्होंने ठाना है तभी वो यहां पर आए हैं तो उन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप जो है ना इस चीज पे ध्यान दीजिए और अपने इस काम में पीछे मत हटिए ये आपका सपना है एंड यू हैव टू फाइट फॉर इट आपको इसके लिए लड़ना है कोई और नहीं आएगा इसके आपके लिए लड़ने ठीक है आगे बढ़ते हैं सर पेपर में आपसे प्रलिम्स में पूछा जा सकता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के बारे में है ना ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के बारे में चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी या पार्लियामेंट्री कमेटी से सवाल आ सकता है जैसे एस्टिमेट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं राज्यसभा से कौन है लोकसभा से क्या है पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं राज्यसभा से कितने हैं लोकसभा से कितने हैं इनका चेयरमैन कौन होता है जब आप पढ़ोगे ना वो जो पार्लियामेंट के अंदर जो टॉपिक है तब आपको समझ में आ जाएगा पूरा वाई ऑपोजिशन इज क्रिटिसाइजिंग द डिसीजन और अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है हिंदी के ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी है वो क्यों हो रही है ये भी आपको ध्यान में रखना है मेन स्पेसिफिक आ जाते हैं रिप्रेजेंटेटिवनेस रिस्पॉन्सिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी दे आर द फाउंडेशनल पिलर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया डिस्कस द द यूटिलिटी ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी इन इन दिस रिगार्ड अब आपको पार्लियामेंट की कमेटी जो होती है उनका काम क्या है ठीक है वो बताना है मैं क्या बोल रहा हूं रिप्रेजेंटेटिवनेस कि सभी देश के अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट किया जाए रिस्पॉन्सिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी ये फंडामेंटल पिलर है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के तो इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जहां हम चाहते हैं सभी लोगों की भागीदारी हो वहां हम पार्लियामेंट में कमेटी बना देते हैं वो कमेटी डिसाइड करती है रूल रेगुलेशन बनाती है तो कैसे जो हमारा काम है रिप्रेजेंटेटिवनेस रिस्पॉन्सिवनेस और अकाउंटेबिलिटी हम उसको कैसे इंश्योर कर रहे हैं तो ये सवाल है दोस्तों एंड डेफिनेटली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे ठीक है दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस इट हम इसको डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों अपनी क्लास आप है, आप है आपकी उसके अंदर कराऊंगा ये बात क्लियर है दोस्तों करोगे हाँ भाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों एक बार बता दो ठीक है करोगे कि नहीं करोगे दोस्तों आप इसको करेंगे बताइए फटाफट से मुझे जल्दी बताइए इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज एक बार फटाफट फड़ से बता दो ठीक है आप इसको करेंगे कि नहीं कर पाएंगे फटाफट फड़ से आप बताइए मुझे जल्दी से जल्दी बताएंगे दोस्तों बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों मेन स्पेसिफिक पे आते हैं ठीक है मेन स्पेसिफिक आते हैं रिप्रेजेंट ये आप करना है आपको ठीक है खुद से ट्राई करना है अच्छा ये एक स्पेशल ऑफर है जो अभी चल रहा था अभी भी शायद चल रहा हो देख लेना एक बार दो साल और तीन साल का सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं तो आपको सिक्स मंथ का तो क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा मिल रहा है साथ साथ में टेन परसेंट का क्या मिल रहा है आपको दोस्तों डिस्काउंट मिल रहा है तो एक बार जाइए फटाफट से जाके इसको सब्सक्राइब कीजिए कोड यूज कीजिए आप सुमित टेन ठीक है क्या कोड यूज कीजिएगा सुमित टेन सुमिट टेन आपको यूज करना है तो इस कोड को यूज कीजिएगा अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना छठे जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का उस पर बात करते हैं है ना अब ये भी हिंदी से जुड़ा हुआ है ये भी हिंदी से जुड़ा हुआ है नॉर्थ ईस्ट जो है उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं उनके लिए बोला गया है कि आप जो स्कूल करिकुलम है उसके अंदर में हिंदी को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना दो सबको पढ़ना ही पड़े इससे क्या होगा जो नॉर्थ ईस्टर्न के जो लोग हैं वो भी हिंदी भाषा को जान पाएंगे हिंदी भाषा बोल पाएंगे और पूरे देश के अंदर में यूनिटी जो है बढ़ेगी नॉर्थ ईस्ट के लोग भी जो हैं वो मेनटेन से आपका क्या हो पाएंगे कनेक्ट हो पाएंगे तो इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो कह रहे हैं कि ये तो गलत बात है ये तो हमारा जो शेड्यूल छः है उसके तहत जो हमें ट्राइबल एरिया को जो प्रोटेक्शन दी जाती है उसके अगेंस्ट बात है वो कह रहे हैं कि हम हिंदी के विरोध में नहीं है आप हिंदी को बनाओ लेकिन हिंदी को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखो हिंदी को हम पे थोपो मत कंपलसरी मत करो आप हिंदी को ऑप्शन सब्जेक्ट बना दो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें हम इसको पढ़ेंगे लेकिन ऑप्शनल रखो इसको थोपो मत ये बात भी यहाँ बोली है सिक्सथ शेड्यूल जो है भारत के संविधान में फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल जो है इनके अंदर में कुछ ऐसे प्रोविज़न दिए जाते हैं जिसके तहत एस सी वाले जो लोग हैं एरियाज जो हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाती है अगेंस्ट दी अथॉरिटेटिव और अगेंस्ट दी एनी काइंड ऑफ कागजीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्डर चलिए बात करते हैं सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में प्रोटेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट ऑन द इंपोजिशन ऑफ हिंदी नॉर्थ ईस्ट के अंदर हिंदी जो है उसके ऊपर में प्रोटेस्ट यहां पर चल रही है अमित शाह अमित शाह हैड सेड हिंदी वुड बी मेड अ मस्ट इन द रीजन स्कूल्स उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर में हिंदी को हम कंपलसरी करेंगे हिंदी शुड बी अ मस्ट हिंदी के अलावा ऐसा होना चाहिए कि हिंदी जो है वो हर बच्चा जरूर पढ़े ये बात यहां पे बोली गई है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे दोस्तों बताइए फटाफट से बताइए फटाफट चलिए बहुत बहुत बढ़िया यार बहुत सही दोस्तों बहुत सही ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं यह भी जीएस पेपर दो से संबंधित है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग इवोल्यूशन फीचर्स अमेंडमेंट्स सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड द बेसिक स्ट्रक्चर कह रहा है सेंटर मूव्स टू मेक हिंदी अ कंपल्सरी लैंग्वेज इन स्कूल अक्रॉस द एट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट हैज द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन द रीजन जो केंद्र सरकार का डिसीजन है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर हिंदी को हम एक कंपलसरी लैंग्वेज बनाएंगे स्कूल के अंदर में उससे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है नॉर्थ ईस्ट में वो नाराज हो गए हैं डिस्क्राइबिंग हिंदी एज लैंग्वेज ऑफ इंडिया जो होम मिनिस्टर है हमारे उन्होंने कहा कि हिंदी भारत की लैंग्वेज है उन्होंने कहा कि दसवीं क्लास तक हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के सभी स्कूलों के अंदर में हिंदी को एक कंपलसरी एक मस्ट अप ठीक है मस्ट सब्जेक्ट बना दिया कि सब लोग इसको पढ़ें ठीक है और इसके लिए कहा गया कि हमने 22,000 स्कूल टीचर्स हायर किए हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाके क्या पढ़ाएंगे हिंदी आपको पढ़ाएंगे अब इसका ऑपोजिशन हो रहा है ऑपोजिशन में कहा जा रहा है कि वी हैव नो ऑब्जेक्शन हमें हिंदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है बट हिंदी को ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाओ आप हिंदी को क्या बनाओ ऑप्शनल इसको इंपोज मत करो हम पे थोपो मत ठीक है लोगों ने इस जो थोपने वाली बात है इसको अपोज किया है कंपलसरी वाली बात को अपोज किया उन्होंने कहा कि हिंदी को आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी बना सकते हो इंग्लिश अप्रीफर्ड मीडियम है हम इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं अदर देन हमारी लोकल टंग जो है ना उसके अलावा हम इंग्लिश में चाहते हैं कि इंग्लिश जो है वो हम सीखें क्योंकि इंग्लिश यार एक ग्लोबल लैंग्वेज है ठीक है नाउ इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज और आप समझो इंग्लिश आज के लिए एक मतलब सोसाइटी में एक स्टेटस सिंबल बन गया है तो इसीलिए आप कोई इंग्लिश से नीचे आने को तैयार ही नहीं है हिंदी पे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड क्या है सर संवैधानिक सुरक्षा क्या है इसकी मैं आपको बताता हूँ सिक्स शेड्यूल जो हमारी संविधान के अंदर छठी अनुसूची जो है कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इम्पोजिशन कह रहा है कि ये जो एरिया है ना नॉर्थ ईस्ट एरिया इसमें बहुत सारे ट्राइबल एरिया भी है और ट्राइबल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी प्रकार के इम्पोजिशन को रोकने के लिए उनके ऊपर किसी प्रकार का इम्पोजिशन ना हो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड जो है वो आपके दिए गए हैं क्या दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड जो है वो दिए गए हैं सिक्स शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्या कहता है भारत की छठी अनुसूची जो है वो क्या कहती है ये कहते हैं कि इट तो प्रोवाइड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम टू सेव गार्ड द राइट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन दी स्टेट्स इन राज्यों के अंदर में बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन है तो इन ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए इनके अधिकार को सेफगार्ड करने के लिए ये जो सिक्स शेड्यूल है ये संविधान के अंदर इंसर्ट किया गया है दिस स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड्स अंडर आर्टिकल 244 सौ एंड आर्टिकल 275 सौ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके तहत में कुछ विशेष प्रावधान जो है वो दिए जाते हैं जिसमें अनुच्छेद दो सौ आता है और आपका अनुच्छेद दो सौ जो है वो शामिल है जिसके तहत ये स्पेशल प्रोविजन हमें दिए जाते हैं राइट ऑफ ट्राइबल पॉपुलशन थ्रू फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इसके द्वारा दोस्तों स्वायत्ता जिला परिषद बनाई गई है इनका गठन किया गया जिनके माध्यम से जो हमारी आदिवासी आबादी है उनके हितों की रक्षा की जाती है ये जो ऑटोनोमस डि है दे आर द बॉडीज देट रिप्रेजेंट द डिस्ट्रिक्ट टू विच द कंस्टिट्यूशन वेरिंग डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी विद इन द स्टेट्स लेजिसलेचर अभी जो हम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाते हैं मैंने कल भी बताया था आपको ठीक है जब मैं रात में हमारी प्लस क्लास में बताया था मैंने जब भी ऐसी डिमांड होती है ना तो उसके अंदर में क्या होता है जैसे सेपरेट स्टेट की आइडेंटिटी के ऊपर रिलीजन के ऊपर एथनिसिटी के ऊपर जब सेपरेट स्टेट की डिमांड होती है तो सरकार एक काम करती है क्या करती है सरकार एक काउंसिल बना देती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ठीक है ऐसे टाइप की काउंसिल बना देती है ताकि उन लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है उस काउंसिल के अंदर में मिल सके और वो भी अपने अधिकार की बातें सबके सामने रख सके वट आर द इशू रिलेटेड टू द सिक्स शेड्यूल कह रहा है छठे अनुसूचित संबंधित मुद्दे क्या है देखो सिक्स शेड्यूल जो है डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द नॉन ट्राइबल अब अच्छी बात तो समझ ली तुमने कि छठा शेड्यूल जो है ट्राइबल पॉपुलेशन के हितों की रक्षा करता है किसी भी प्रकार प्रकार के एग्जीक्यूटिव इंपोजिशन से को क्या करता है रोकता है लेकिन आप जो है छठा शेड्यूल जो है सिक्स शेड्यूल जो है उसके क्रिटिसिज्म भी सुन लो पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि ये जो नॉन ट्राइबल्स है ना नॉन ट्राइबल रेजिडेंट उनके खिलाफ है उनके उनके क्या करता है अधिकारों के उनके फंडामेंटल राइट right की अवेलना करता है इट हैज क्रिएटेड मल्टीपल पावर सेंटर इसने अलग अलग पावर सेंटर बना दिए स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेट आपका ऑटोनोमस काउंसिल उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल तो अलग अलग क्या बन गए हैं पावर के सेंटर बना दिए गए हैं देर आर फ्रीक्वेंट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन दीज बॉडीज और ये जो आपने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना रखी है इनके और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में फ्रीक्वेंट क्या होता है दोस्तों कन्फ्लिक्ट होता है जिससे जो आपकी शासन की व्यवस्था है वो क्या होती है डिस्टर्ब होती है ना कि अच्छी तो अच्छा तो छोड़ दो सब कुछ क्या हो रहा है बुरा बुरा हो रहा है इनका ये भी मानना है क्रिटिसिज्म ये बात समझ में आई दोस्तों ठीक <laughs> है हाँ ये बात भी है ये आप लोगों की भावनाएं निकल रही हैं बच्चे कह रहे हैं सर बोलने को तो कुछ भी बोलते हैं हिंदी को प्रोत्साहित करो ये करो लेकिन बाद में हिंदी वाले देख के कहते हैं कि हिंदी है तो मतलब इसको कुछ नहीं आता होगा देखो तो ये तो कॉलोनियल माइंडसेट है ही हमारा एग्जैक्टली exactly यही हो रहा है लिप्सा एग्जैक्टली exactly यही तो हो रहा है और हो क्या रहा है यही तो हो रहा है इसी पे तो अपोज हो रहा है सब चीजों पे अच्छा गाई एक बार बताइए समझ में आ गया आपको एक बार कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट कर दो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड साथ साथ ही आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें जिन्होंने लाइक कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद बट जिन्होंने नहीं किया उनसे एक 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 बार 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 रिक्वेस्ट करूंगा मैं एक बार की वीडियो को क्या कर दे? एक बार फिर से लाइक कर दें अच्छा रिलेटेड सर्च क्या है दोस्तों आपको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्यों बनाई जाती है क्या होता है उसके बारे में शायद इनर लाइन परमिट क्या होता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में ना इनर लाइन परमिट का एक प्रोविजन होता है वो क्या होता है और आर्टिकल इक्कीस जो है आर्टिकल ट्वेंटी है इसके बारे में तो ये कुछ है जिनके बारे में आपको बताना पड़ेगा के अंदर जो पांचवा और छठा अनुसूची है उसके, अंतर में, उसके अंदर में क्या, उनके बीच में क्या डिफरेंस है गवर्नर की क्या पावर है पांचवें शेड्यूल के अंदर में दोस्तों हु कैन इंक्लूड और एक्सक्लूड द एरिया अंडर पांच फिफ्थ शेड्यूल पांचवें शेड्यूल के अंदर कौन एरिया इंक्लूड करवा सकता है कौन हटा सकता है वट आर शेड्यूल्ड एरिया फॉरेस्ट राइट एक्ट की प्रोविजन क्या है एंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कंपोजिशन ये कुछ मुद्दे हैं जिनको आपको डिस्कस करना अगेन अगर आपने पॉलिटी ढंग से पढ़ा है ठीक है अगर आपने पॉलिटी ढंग से पढ़ा है दोस्तों तो वो यहां पर आपको हेल्प करेंगे इन सारी चीजों को ढूंढने में पॉलिटी की किताब के अंदर में लिखा हुआ है फिफ्थ और सिक्स शे, शेड्यूल ठीक है एक बार आप इनको जरूर पढ़िएगा एक सवाल दिया मैंने द स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया आर पार्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल विच वन इज दैट कह रहा है कि जो शेड्यूल्ड एरिया है उससे संबंधित प्रोविजन किसके अंदर है थर्ड फोर्थ फिफ्थ या सिक्स बताइए जल्दी बताइए फटाफट से सी हाँ बिल्कुल सही बोला पांचवी अनुसूची छठी वाले जो हैं वो गलत बोल रहे हैं छठे में ट्राइबल एरिया आता है छठे में ट्राइबल एरिया आता है इसमें शेड्यूल्ड एरिया की बात हुई है शेड्यूल्ड एरिया फिफ्थ में आता है सिक्स शेड्यूल हैज बीन सक्सेसफुल इन प्रोटेक्टिंग द ट्राइबल कल्चर एंड इंक्लूसिविटी क्रिटिकली एनालाइज थोड़ा सा समालोचनात्मक विश्लेषण आपको करना है कि जो हमारा छठा शेड्यूल जो है वो कहता है कि भैया आप ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करो ठीक है उनको उनके लिए इंक्लूसिव पॉलिसी बनवाओ तो ये कह रहा है कि आप बताइए कि किस प्रकार से जो हमारा छठा शेड्यूल है उसने इन सब चीज़ों पर गौर किया है किस प्रकार से उन्होंने ट्राइबल कल्चर को और इंक्लूसिविटी को क्या किया प्रमोट किया है ये आपसे पूछा जाता है कमेंट बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया हुआ है ठीक है उस लिंक को क्लिक करें ओपन करें और उस फॉर्म को भर दें आपकी कोई भी डाउट कोई भी क्वायरी जो होगी ठीक है मैं खुद आपको एक्सप्लेन करूंगा फटाफट आप फटा उसको भर दीजिए अगला है दोस्तों पिनाका रॉकेट सिस्टम ये रॉकेट सिस्टम है पिनाका तो हम हाँ अपने हथियारों को लगातार क्या कर रहे हैं अपग्रेड कर रहे हैं हम भारत की हथियारों में आत्मनिर्भरता चाहते हैं हम चाहते हैं ना केवल भारत खुद के लिए हथियार बनाए बल्कि हम ये चाहते हैं कि हम एक मेजर आपका एक्सपोर्ट डेस्ट वो भी बने हम देशों को एक्स हथियार सप्लाई करें तो ये भी भारत का एक टारगेट है तो इसके तहत हम लगे हैं अपने अपने चीजों को इंप्रूव करने में तो इसी के तहत जो हमारी पिनाका रॉकेट सिस्टम है ना इसको हम क्या कर रहे हैं इंप्रूव कर रहे हैं तो उसी के अंदर में किया गया इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर पिनाका मिसाइल सिस्टम तो भारत ने सक्सेसफुली जो हमारी पिनाका मिसाइल सिस्टम है उसको टेस्ट फायर कर लिया पिनाका सिस्टम ऑलरेडी आर्मी में पहले से ही इंप्लॉयड है मतलब है डिप्लॉयड है हम काम ले रहे हैं लेकिन क्या होता है ना अपने हथियारों को आधुनिक समय के साथ साथ हमें क्या करना पड़ता है बदलना पड़ता है तो उसी आधुनिक समय के आधार पर हमने इन रॉकेट को क्या किया मॉडिफाई किया और इनको टेस्ट फायर किया तो ये बढ़िया से काम कर रही हैं पिनाका एम के वन एनहेंस रॉकेट सिस्टम यानी कि ई पी आर एस एनहेंस एनहेंस पिनाका रॉकेट सिस्टम एंड पिनाका एरिया डिनाइल एडीएम जिसको बोलते हैं रॉकेट्स दिस सिस्टम हैज बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर बाय द डी आर डी ओ डीआरडीओ ने इसको अच्छे से टेस्ट फायर करके देख लिया है टेक्नोलॉजी को प्रूव कर लिया है एक्यूरेसी के साथ इसने टारगेट को हिट किया है अब इसके बाद में इसका जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा कंपनियों को जो इस मिसाइल इस पिनाका रॉकेट सिस्टम को क्या कर रहा है बना रहा है ठीक है की इंफॉर्मेशन क्या है टोटल 24 एक्सटेंडेड एनहैंस्ड पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है देवर फायर 24 रॉकेट फायर करके देखे गए फ्रॉम द डिफरेंट रेंजेस जूरिंग द लास्ट फोर्ट नाइट पिछले पंद्रह दिनों के अंदर में रिक्वायर्ड एक्ूरे एंड कंसिस्टेंसी वॉज अचीवड और इन रॉकेट ने बिल्कुल एक्ूरेसी जो है वो अचीव की है जहां हमें मारना था जहां हमें हिट करना था इन रॉकेट ने वहीं पर जाके हिट किया है विद दीज ट्रायल्स द इनिशियल फेज ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्स ऑफ ई पी आर एस बाई द इंडस्ट्रीज है अब ये कह रहा है कि इस टेस्ट के बाद में इन ट्रायल के बाद में हमारा जो टेक्नोलॉजी वेलिडेशन है ना वो हो गया है ठीक है टेक्नोलॉजी वैलिडेशन जो है वो हो गया है अब हम इनको क्या करेंगे दोस्तों

तो पिनाक का कोई नया सिस्टम नहीं है ऑलरेडी 10 साल से इंडियन आर्मी में सर्व कर रहा है इमरजिंग रिक्वायरमेंट लगातार हम इसको क्या कर रहे हैं अपडेट कर, 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 कर रहे हैं ताकि जो बदलते समय की बदलती जरूरतें हैं उनके हिसाब से हम इन जरूरतों को क्या कर सके हम इस सिस्टम को अपग्रेड कर सके और उन जरूरतों को हम पूरा कर सके ये बात समझ में आ रही है आपको बात करेंगे दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की ठीक है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या है देखो अभी डीआरडीओ ने टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर लिया है ठीक है तो अब जो कंपनियां इसको बनाएंगी ना उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी जाएगी ताकि वो इसको बना सके तो भारत के अंदर एम ठीक है और इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड नागपुर ये अभी इनको बनाएंगी पिनाका रॉकेट को तो उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो कर दी जाएगी फ्रॉम डी ओके ताकि वो काम कर सके अगला जो टॉपिक है मेज इन स्प्रिंग देखो जो मक्का होता है जनरली ये आप सर्दियों में उगाते हो ठीक है मतलब ऐसा है अब आजकल सॉरी गलत बोल गया मैं मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों जो अभी मेज जो है ना एक ऑल्टरनेटिव माना जाता है जो वाटर गैजलिंग क्रॉप्स है ना पेडी जो मक्का है ना वो आपका ऑल्टरनेट है किसका दोस्तों जो चावल है उसकी उसके अग, 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 मतलब ऑल्टरनेट में उगाया जाता है मक्के की खास बात क्या है इसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए जबकि जो चावल है उसको बहुत पानी चाहिए चावल को इतना पानी चाहिए कि वाटर टेबल पर फर्क पड़ता है तो अभी पंजाब के अंदर में ना लोग स्प्रिंग में भी मक्का उगाने लगे हैं ये मक्का जनवरी फरवरी और अब इवन मार्च के लास्ट तक वो मक्का उगा रहे हैं अभी जो लास्ट तक मार्च में मक्का उगाना है इसको नकारात्मक बताया गया इसको बताया कि ये ठीक नहीं है क्यों ठीक नहीं है क्योंकि आप मार्च में इसको उगा रहे हो ठीक है बो रहे हो बुआई कर रहे हो उसके बाद मार्च अप्रैल मई जून जुलाई इसमें तो तापमान बढ़ जाता है हाईएस्ट टेम्परेचर 45 डिग्री तक चला जाता है 45 डिग्री तक ऐसे में अगर आप इस फसल को उगाना चाहोगे भले ही कम पानी ले लेकिन इस गर्मी के पीक महीने में पानी जो है वो ज्यादा तेजी से क्या होगा इवापरेट होगा और आपको बार बार इसमें क्या करना पड़ेगा पानी देना पड़ेगा जिससे पानी की जो है बहुत ज्यादा क्या होगी खपत होगी और ऐसे के अंदर में आप ये मान के चलो कि जो आपकी वाटर टेबल है वो डिस्टर्ब होगी इसीलिए सजेस्ट किया गया है पंजाब में उगाते हैं बेसिकली स्प्रिंग मेज बोलते हैं इसको बोला गया कि स्प्रिंग मेज की जगह हमें जो है कुछ और समर मूंग उगानी चाहिए या हमें सनफ्लावर जो है वो उगाना चाहिए क्योंकि सनफ्लावर की डिमांड बहुत ज़्यादा है और भारत हर साल पंद्रह मिलियन जो टन है वो सनफ्लावर बाहर से इम्पोर्ट करता है तो अगर हम स्प्रिंग मेज की जगह आपका समर मूंग उगाएं मूंग की दाल जो होती वो है वो उगाएँ या हम अगर उगाएं क्या सनफ्लावर उगाएँ तो बेहतर होगा कम पानी में हो जाता है और अच्छा होगा ठीक है जिससे क्या होगा देश को फ़ायदा होगा ये बात यहाँ पे की गई है ठीक है टॉपिक आया हुआ था आपका दोस्तों के के चार सौ पचास एकड़ आर बींग यूज फॉर कल्टीवेशन ऑफ स्प्रिंग मेज समर ये पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का डेटा है जिसमें क्या बताया गया है कि लगभग पैंतीस हजार हेक्टेयर में या छियासी हजार एकड़ के अंदर में दोस्तों आपका स्प्रिंग मेज जो है जो समर में जो है यानी कि गर्मियों के अंदर मक्का उगाया जाता है टाइम क्या है इसका दोस्तों इसका आइडियल टाइम जो है मक्का उगाने का वो है जनवरी से लेकर फरवरी लास्ट तक पंद्रह तक है ना ये जो मक्का उगाने का आइडियल टाइम है बट फार्मर अब भी भी इसको उगा रहे हैं फरवरी के लास्ट में और इवन अर्ली मार्च के अर्ली में भी इसको उगा रहे हैं पंजाब के अंदर मक्के को ना एक ऑल्टरनेटिव जो है पैडी की जो फसल होती है ना चावल उसके ऑल्टरनेट में देखा जाता है कि पैडी के क्या है दोस्तों ऑल्टरनेट ये जो है वो क्रॉप है सर एडिटोरियल भी ऐड कर लीजिए इसमें प्रवीण गुप्ता एडिटोरियल का अलग सेशन करेंगे देखते हैं थोड़े दिनों में ठीक है अभी तो अभिषेक सर कर रहे हैं अगर वो कंटिन्यू करते हैं सही से क्लास होती है तो ठीक है अदरवाइज एडिटोरियल का एक अलग सेशन करेंगे इसमें ऐड करेंगे तो तीन घंटे क्लास चलेगी यार आज थोड़ा ज़्यादा इसलिए चल रहा है क्योंकि मेरे यार गले में और मुंह में छाले हो रखे हैं तो मैं उतनी तेजी से बोल नहीं पा रहा हूँ अटक रहा हूँ दर्द हो रहा है लेकिन हाँ नॉर्मली ये डेढ़ घंटे का लेक्चर रखेंगे उसके बाद अगर हम एडिटोरियल करेंगे तो इससे अलग करेंगे हम अच्छा कह रहा है क्रॉप्स ऑल्टनेटिव टू तो द स्प्रिंग मेज एक्सपर्ट सेट दैट समर मूंग और सनफ्लावर क्रॉप्स आर द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आप ये कह रहा है कि चलो ठीक है हम मक्का ना उगाएंगे तो क्या उगाएंगे तो कहा गया कि मक्का ना उगा के आप सनफ्लावर और जो समर के अंदर जो मूंग की दाल है वो आप उगा सकते हैं और दोनों की भारत में बहुत डिमांड है बोथ द क्रॉप आर एक्सट्रीमली वाइटल इन दिस द कंट्री ऑफ इंडिया क्योंकि हम लगभग लगभग ढाई मिलियन टन जो सनफ्लावर ऑयल है वो हर बार हर साल हम इंपोर्ट करते हैं और इस बार तो सनफ्लावर ऑयल मिलने वाला भी नहीं है क्यों नहीं मिलेगा बताओ सनफ्लावर ऑयल इसलिए नहीं मिलेगा इस बार क्योंकि इस बार रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है और ज्यादातर जो इंडिया में सनफ्लावर ऑयल आता है दोस्तों वो इन्हीं दो देशों से आता है तो वो एक बहुत बहुत भारी अपने आप में क्या हो जाएगी दोस्तों समस्या हो जाएगी दोस्तों इंडिया दो से तीन मिलियन टन क्या करता है पल्सिस इंपोर्ट करता है वाई डू एक्सपोर्ट डिस्करिंग शोइंग स्प्रिंग मेज इन द स्टेट्स कह रहे हैं कि क्यों राज्य जो है हम उसको डिस्करेज कर रहे हैं कि जो स्प्रिंग है उसके अंदर में आप मक्का मत उगाइए कह रहा है कि ग्रोइंग मेज ड्यूरिंग द स्प्रिंग इज नॉट ऑलवेज गुड चॉइस इन पंजाब क्यों भाई क्योंकि तो यार इस समय तापमान बहुत बढ़ जाता है ना टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और सनशाइन मतलब सूरज की रोशनी जो है वो ज्यादा समय के लिए रहती है 35 डिग्री से लेकर दोस्तों 45 डिग्री तक तापमान हो जाता है और 9 से साढ़े नौ घंटे सूरज की रोशनी रहती है ऐसे में दोस्तों हाई टेम्परेचर और हाई सन की रेडिएशन की वजह से दोस्तों पानी जो है ना वो बहुत जल्दी से भाप बनेगा वैपरेट होगा और आपको फ्रीक्वेंट वाटरिंग की जरूरत पड़ेगी पानी जल्दी वास्पित होगा गर्मी के कारण और आपको बार बार इस फसल में पानी देना पड़ेगा जिससे आपका जो जल स्तर है वो बुरी तरीके से प्रभावित होगा तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि या तो आपके पास ड्रिप इरीगेशन हो ठीक है और अगर ड्रिप इरीगेशन है तो आप कर लोगे ड्रिप इरीगेशन में पानी क्या होता है दोस्तों बचता है और अगर आपके पास ड्रिप इरीगेशन नहीं है तो फिर इन दैट केस आपको क्या करना है उस केस के अंदर में फिर आप छोड़ दो फिर आप ये मत करो आप इसकी जगह समर मुह उगाओ या आप इसकी जगह पे सनफ्लावर जो है उसको उगा सकते हो ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों बायोगैस एनर्जी के बारे में बायोगैस एनर्जी क्या होती है आपको बता दूं मैं जो गोबर से नहीं बनाते हो आप ठीक है तो वो बायोगैस ही है गोबर वगैरह उससे बायोगैस बोलते हैं इसमें मिथेन का कंटेंट ज़्यादा होता है तो अभी नोएडा के अंदर में बेसिकली एक बायोगैस का प्लांट जो है वो बनाया जा रहा था बट लोकल लोग जो तो थे वो प्रोटेस्ट करने लगे कि यहाँ नहीं बनने देंगे यहाँ तुम बायोगैस प्लांट बनाओगे तो यहाँ बदबू आएगी ठीक है दिक्कत हो जाएगी हमारे तो अभी इसको ट्रांसफ़र कर दिया एक दूसरी जगह पे जहाँ पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का सोचा जा रहा था अब वहाँ पर बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा ये ठीक है तो ये बायोगैस एनर्जी है दोस्तों जिसके अंदर में आप ये बेसिकली ऑर्गेनिज्म का उपयोग करके हम क्या करते हैं ऊर्जा एनर्जी बनाते हैं क्वालिटी ऑफ टॉपिक आया हुआ था तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं ठीक है तो मैं आपको यहां पर नोएडा अथॉरिटी अनाउंस दैट दे माइट शिफ्ट द प्लान टू अनदर लोकेशन क्योंकि नोएडा के अंदर में बनाया जा रहा था ठीक है अब इस लोकेशन को एक दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट किया जा रहा है और इस दूसरी लोकेशन पे पहले डिसाइडेड था कि यहाँ पर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एस टी पी बनाएंगे क्योंकि ऐसा क्योंकि रेजिडेंट जो थे वहाँ के लोकल लोग जो थे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो कह रहे थे भाई हम यहाँ पे ये बायोगैस प्लांट नहीं बनने देंगे अदरवाइज यहाँ बदबू मारेगी ठीक है हम रह नहीं पाएंगे ये उन्होंने बोला बायोगैस जो है दोस्तों इट इज़ बेस्ड अपॉन द यूज़ ऑफ डंग बेसिकली गोबर का इस्तेमाल वैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा का इस्तेमाल करके भी होता है बट उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो डंग है गोबर जो है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर ये गैस जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है डोमेस्टिक फ्यूल जिसको घरों के अंदर में एक फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है स्पेशली अगर बात करू रूरल एरिया में गोबर गैस सुनी है ना गोबर से गैस बनाते हैं गांव के एरिया में तो वो प्रोसेस बता जा रहा है बायोमासन एन इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स फॉर द कंट्री कंसिडरिंग द्स इट ऑफर्स कह रहा कि जो बायोमास है ना देश के अंदर इसको एक इंपॉर्टेंट एनर्जी के सोर्स के रूप में जाना जाता है फॉर द एंटायर कंट्री पूरे देश के लिए कंसिडरिंग द बेनिफिट ऑफर क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्या होते हैं दोस्तों हमें लाभ होते हैं और उन लाभ को ध्यान में रखते हुए ही क्या किया गया है दोस्तों बायोमास जो है ए, उसको एक इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स के रूप में देश के अंदर में अडॉप्ट किया जाता है इसके अंदर मुख्यतः हाइड्रोकार्बन होते हैं बायोगैस में हाइड्रोकार्बन होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं इसके अंदर में जो कम्बस्टाइल होते हैं जो जल सकते हैं और जलने के बाद वो हीट प्रोड्यूस करते हैं इट इज़ प्रोवाइडेड थ्रू अ बायोकेमिकल प्रोसेस और ये जो बायोगैस है एक बायोकेमिकल प्रोसेस प्रक्रिया के द्वारा बनती है ठीक है जिसके अंदर कुछ प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो बायोलॉजिकल वेस्ट को यूजफुल बायोगैस के अंदर में बदल देते हैं याद रखना मीथेन गैस जो है वो बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है सबसे इंपॉर्टेंट होती है बायोगैस में मीथेन अब कह रहा है इसका महत्व तो क्या है सिग्निफिकेंस क्या है इट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिन्यूएबल है आप बार बार इसको इस्तेमाल कर सकते हो वाइडली अवेलेबल है हर जगह मिल जाएगा गोबर तो आपको कार्बन न्यूट्रल है इट हैज पोटेंशियल टू प्रोवाइड सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया इससे गाँव के क्षेत्रों में बहुत सिग्निफिकेंट जो है आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो भी मिल जाएगी एक सवाल आया हुआ था 2019 के अंदर में क्वेश्चन आया था यूपीएससी में मैं चाहता हूं एक बार आप इसके बारे में बताएं 2019 के अंदर आया था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पहला कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड दूसरा मीथेन और तीसरा ओजोन और चौथा सल्फर डाइऑक्साइड विच ऑफ आर रिलीज इन टू दर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्रॉप बायोमास जल्दी बताइए इसमें कौन सा सही होगा फटाफट बताएंगे दोस्तों आप जल्दी बताएंगे फटाफट से कमऑन फास्ट डी चलिए देख लेते हैं इसका जवाब इसका जवाब है क्या डी बिल्कुल सही है चारों के चारों सही हैं इसमें ऑल दी फोर आर द करेक्ट आंसर गुड यार गाइज एक बार लाइक कर दो यार वीडियो को यार प्लीज जिन्होंने कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने नहीं किया प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है और जो बच्चे इसको बाद में देखे उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें अगली बात करते हैं दोस्तों माइक्रो स्विमर इन द ब्लड स्ट्रीम आपने एक पिक्चर देखी है एक पिक्चर थी हॉलीवुड में बनाई थी एक पिक्चर देखो हॉलीवुड की पिक्चर ना आज भारत की पिक्चरों से बहुत आगे है भारत में अभी एक पिक्चर बनी अटैक जिसमें सुपर सोल्जर की बात की गई है जिसमें चिप विप लगा के ना ऐसी पिक्चरें हॉलीवुड के अंदर में आज से 20 साल पहले से बनती आ रही है हॉलीवुड जरा टेक्नोलॉजी के अंदर और इन कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन के अंदर में साइंस डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर भारत से कहीं आ गए हॉलीवुड के अंदर में एक ऐसी पिक्चर बनी थी जिसके अंदर दिखाया क्या गया था कि एक साइंटिस्ट जो होता है उसके दिमाग में ना ब्रेन के अंदर में ना क्लॉट होता है एक खून का थक्का होता है उसको निकालने के लिए वो लोग पता क्या करते हैं उसके जो कोलीग्स होते हैं वो क्या करते हैं पता आपको अपने आप अपना साइज जो है पिक्चर में कुछ भी दिखाते हैं अपने साइज को वो माइक्रो लेवल पर लेके जाते हैं जो बिल्कुल जो सेल का लेवल होता है ना सेल के लेवल जितना वो छोटा करते हैं और ऐसे ही एक सबमरीन बनाते हैं जैसे सबमरीन समुद्र में चलती है ना ऐसी छोटी सबमरीन बनाते हैं अपना साइज छोटा करते हैं माइक्रो लेवल पर आपका सेल के साइज पर अपना वो साइज डिक्रीज करते हैं और फिर उस व्यक्ति की जो ब्लड स्ट्रीम है उसके जो खून है उसके अंदर में वो घुस जाते हैं और फिर वहाँ से वो खून के माध्यम से ब्रेन में जाके उस सबमरीन की सहायता से ब्रेन में जाके वहां से वो क्या करते हैं दोस्तों उस ब्लड, ब्लड क्लॉट को हटाते हैं उसकी जान बचाते हैं ये पिक्चर की बात बता रहा हूँ मैं अब जो ये पिक्चर की बात है ना ये सच होने वाली है हाँ ये जो पिक्चर वाली बात है ये सच होने वाली है हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी की बात कर रहे हैं स्पेशली जो कैंसर के अंदर बहुत लाभदायक होगी टारगेट करके हम ड्रग डिलीवरी करेंगे ठीक है और इसके लिए हम बायो स्विमर का इस्तेमाल करेंगे जैसे उसने सबमरीन का इस्तेमाल किया ना तो हम भी टारगेट मेडिसिन डिलीवरी के लिए क्या करेंगे बायो स्विमर का इस्तेमाल करेंगे ये बायो स्विमर सूरज की लाइट से चलेंगे ठीक है सबमरीन की तरह काम करेंगे और वो जो दवाई है उसको डेजिग्नेट प्लेस के ऊपर में लेके जाएंगे कैसे होगा ये काम चलिए उसको बात कर लेते हैं पहले पिक्चर जाके जरूर देख लेना माइक्रो स्विमर इन द ब्लड स्ट्रीम ठीक है माइक्रो स्विमर में सून हेल्प विद ड्रग डिलीवरी ये बात की गई ये भारत के आदमी है भाई जो इस मैक इस लैब के साथ काम कर रहे हैं ठीक है ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट एंटर टू द साइज ऑफ अ सेल ये पिक्चर का नाम भी शायद आई थिंक यही है ठीक है प्रोटेस ही अपने, अपने आप का साइज और जो अपनी सब मरीन है उसका साइज ना एकदम सेल के लेवल का बिल्कुल छोटू सा कर दिया जितना टाइप का सेल होता है और फिर इस आदमी की ब्लड स्ट्रीम में घुस गए अपने कोलीग के में और फिर जाके उन्होंने ब्लड क्लोट हटाया था अब कह रहे हैं ये इस रिसर्च जो है ये हो रही है आप मान के चलो ये जो रिसर्च है ये एम पी आई एस आई एस ठीक है यानी कि आपका मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर आपका इंटरनेशनल साइंस है एंड मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर सॉलिड स्टेट रिसर्च आपका Stegford, आपका स्टेगर्ट जर्मनी इनके द्वारा ये रिसर्च जो है अभी की गई है इसने कहा है कि इट इज पॉसिबल कि हम लाइट को एक फ्यूल ले जैसे वो तो सबमरीन में गए थे आप यहाँ पे सबमरीन कहां से आएगी दवाई के लिए तो इसने उन्हें कहा कि हम इसके लिए क्या बनाते हैं इसके लिए हम बायो स्विमर बनाते हैं जो लाइट का इस्तेमाल करेंगे एज अ फ्यूल टू मूव माइक्रोबोट्स हम बॉडी के अंदर माइक्रो बोट्स डालेंगे और ये रियल बॉडी कंडीशन के अंदर में इंटेलिजेंट ड्रग डिलीवरी करेंगे और इसके लिए वो लाइट का इस्तेमाल करेंगे एज अ फ्यूल ये टेम्परेचर सेंसिटिव होंगे फोटो सेंसेटिव होंगे आपका और ये टेम्परेचर जैसे ही सूरज की लाइट इन पे पड़ेगी ना तो ये क्या करेंगे ये एक आयन रिलीज करेंगे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे ठीक है एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और एक इनके अंदर होल बन जाएगा उस होल को इस्तेमाल किया जाएगा ड्रग की डिलीवरी के लिए ठीक है और आयन जो है वो उसको लेके आगे बढ़ेगा मेड फ्रॉम टू डायमेंशन कंपाउंड ठीक है किससे बनाया गया इसको इसको हैप्टाजाइन आईमाइड से बनाया गया है कार्बन नाइट्राइड ए के पी एच ई कार्बन नाइट्राइड दीज माइक्रोबोट्स आर नथिंग लाइक आ मिनिचर्स ह्यूम दे रेंज फ्रॉम वन टू टेन माइक्रोमीटर इनका का साइज से दस माइक्रोमीटर होगा एक माइक्रोमीटर के अंदर सोचो आप वन मिलियंथ मीटर होता है एक मिलियन एक मिलियन का दस लाख हुआ एक मिल एक मीटर का दस लाख हुआ हिस्सा उसको बोलते हैं आपका क्या माइक्रोमीटर सो इन साइज एंड दे कैन सेल्फ प्रोपल्ड ये खुद से जा सकते हैं और दवाई को आगे लेके जाएंगे और यही दवाई को लेके जाएंगे उस टारगेट डिलीवरी तक और ये किसके माध्यम से चलेंगे सूरज की लाइट के माध्यम से ये पूरा सिस्टम बताया गया है स्विमिंग थ्रू विस्कस बॉडी फ्लूड कह रहा था नियरली स्पेरिकल स्विमर्स इनका साइज होगा एक से दस माइक्रोमीटर का ये खुद से चलेंगे लाइट को एब्जॉर्ब करके लाइक द सोलर सेल सोलर सेल में क्या होता है द इंसिडेंट लाइट इज कन्वर्टेड इन टू द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल ऑन दी सरफेस स्विमर्स विच इंटर्न रियक्ट टू फॉर्म द आय जैसे लाइट पड़ेगी ना ये आयन बना देंगे माइक्रो स्विमर्स टू मूव ये जो आयन है ये क्या करेंगे अपने आसपास का जो फ्लूड है उसके साथ रिएक्ट करेंगे और उसकी वजह से जो ये हमारी दवाई है ये आगे बढ़ेगी दोस्तों द बॉडी फ्लूड एंड ब्लड कंटेंट डिजॉल्ड सोल्ट एंड

कह रहा है कि जो पी एच आई कार्बन नाइट्राइड मार्को पार्टिकल्स हैं दे आर फोटो जैसे ही लाइट पड़ेगी ना दे विल स्टार्ट रिएक्टिंग लाइक अ सोलर सेल जब इन पे लाइट पड़ेगी तो ये क्या करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और एक होल बन जाएगा इलेक्ट्रॉन उसको आगे लेके जाएगा और जो होल है उसके अंदर में आप दवाई भेजोगे जो कार्गोशिप की तरह क्या करेगा दोस्तों काम करेगा ठीक है तो ये था हमारा इससे हम ड्रग डिलीवरी करेंगे दोस्तों इन एडिशन टू द ट्रांसपोर्टिंग सॉल्ट सोल्टाइंस जो मैंने बताया वही है इसको हम कार्गो की तरह ड्रग डिलीवरी के अंदर इस्तेमाल करेंगे ये जुड़िए कोर्स दो प्रकार के होते हैं आइकॉनिक और सुम प्लस दोनों के अंदर में आपको मेरा कोड यूज करना है सुमिट टेन आइकॉनिक में भी आप क्या कोड यूज करोगे दोस्तों आप मेरा कोड यूज करोगे सुमिट टेन इसमें प्लस में लाइव क्लास होती है हर हफ्ते टेस्ट होते हैं पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलती है हर महीने अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है आइकॉनिक के अंदर पर्सनल गाइडेंस मिलता है इसमें एक छोटा सा फायदा अलग है किसमें पर्सनल गाइडेंस मिलता है साथ साथ आपकी स्टडी प्लानर और आपका एक्सपर्ट गाइडलाइंस भी होती है दोनों में फर्क सिर्फ इतना है इसमें पर्सनल गाइडेंस नहीं मिलता इसमें मिलता है लेकिन अगर आपको सिर्फ मेरे से जुड़ना है तो आप सुमित कोड लगाओ बाकी कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको सुमित कोड लगाओ अपनी मुझे भेज दो बस इतना सा काम आपको करना है ठीक है मेरा कोड रखने याद रखना है क्या सुमित टेन तो याद रखिएगा सुमित टेन अपना कोड है इसको यूज करना है आपको दोस्तों ये फीस बताई जा रही है ये सिर्फ जीएस प्लस की फीस है एक साल की इक्यावन दो साल की चौहत्तर हजार ठीक है तीन साल की लगभग बानवे हजार लेकिन ये आपको पे नहीं करनी आपको दस परसेंट डिस्काउंट के बाद है तो सत्ताईस पांच सौ है ऑप्शनल सुमित आपको डिस्काउंट मिल जाएगा लेकिन आपको जो ऑप्शनल है वो ये परचेज जो है नहीं करना है, अलग अलग आप कॉम्बो कोर्स परचेज करोगे कॉम्बो का मतलब है जिसमें जीएस प्लस आपका ऑप्शनल एक साथ होता है ठीक है इसको ज्वाइन करो आपको आइकॉनिक लेना है या आपको प्लस लेना आप इस बात से डिसाइड करो आइकॉनिक थोड़ा सा क्या है है कॉस्टली अगर कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं तो कर लीजिए अदरवाइज मत कीजिए बट ध्यान रखिए दोस्तों जिस भी बच्चे को कोई डाउट है कुछ पूछना चाहता है मेरे से मैं खुद आपको संपर्क करूंगा आप बस जो गूगल फॉर्म है जो हमारे चैट बॉक्स के ऊपर पिन किया हुआ है उसको एक बार भर दीजिएगा उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना वीडियो को शेयर करना आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर के अंदर तब तक के लिए टेक केयर बाय जय हिंद